तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मुझे एक बार वॉइस वगैरह बताएं, वेदर द वॉइस इज क्लियर और नॉट। हेलो साहिल, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून साहिल। तो मुझे एक बार बता दें, वॉइस वगैरह क्लियर है, आप मुझे सुन पा रहे हैं सब कुछ? बिकॉज आज हम करने जा रहे हैं 50 छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन, जो इन जनरल आपके पब्लिक सेक्टर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर के लिए आज हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, और एक जस्ट आपको टाइम एक मिनट से ज्यादा का लगाना नहीं है, क्वेश्चंस को देखना है, आंसर करना है, आंसर जस्ट जैसे देखना है वैसे ही आंसर करना है। कुछ भी इसमें स्पेशल ऐसा है नहीं जिसके लिए आप बोलोगे कि नहीं सर मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। नहीं, आपको टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगेगा मेरे ख्याल से, अगर आप करने वाले होगे तो बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला। ठीक है, तो जस्ट आप पहले मुझे बता दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे और यहां से जस्ट आगे चलना शुरू करेंगे। सो हम जस्ट सर्चिंग की, अगर मुझे टाइमर मिल जाता तो बेहतर रहता है ना, टाइमर मिलता तो बेहतर रहता, बट कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही चलते हैं। टाइमर कहीं पे था बट पता नहीं कहाँ पे है। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या सब कुछ? अनोज कुमार गुड आफ्टरनून, शुभम गुड आफ्टरनून। तो आज का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, जितने लोग क्वेश्चंस करना चाहते हैं उनके लिए। 50 क्वेश्चन मतलब हमारे 1 से 1.5 घंटे 1 to 1.5 hours में फिनिश हो जाने चाहिए। क्वेश्चन देखते ही आंसर करना है, ठीक है, क्वेश्चन को देखते ही आंसर करना। चलिए मैं तब तक जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन कर लेता हूं। मेरा नाम है योगेश त्यागी, मेरे ख्याल से इतना तो सब लोग जान ही गए होंगे। सो दिस इज मी, मेरा नाम है योगेश त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 7 years। दीज आर माई सब्जेक्ट्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, RAC, IC इंजन, पावर प्लांट, ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं। और अभी तक मैं मोर देन 1 lakh स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं। आई वॉज इन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आप में से जिस किसी ने भी अभी तक अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर ले, गेट ESE वाला सेक्शन सेलेक्ट कर ले। जस्ट इंस्टॉल करने के बाद, गेट ESE वाला सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा नाम से मुझे सर्च कर लीजिएगा, योगेश त्यागी के नाम से आप मुझे सर्च कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे आपको फॉलो करने के बाद वो मैसेज वाला ऑप्शन आ जाएगा, इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेरी हो। अच्छा, उसका फायदा रहेगा आपको, जब अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको स्पेशल क्लासेस फ्री मिलेंगे, लाइव टेस्ट मिलेगा, फ्री क्वेजेस मिलेंगे, अनअकैडमी कॉम्बैट मिलेगा। बिकॉज अनअकैडमी केवल यूट्यूब पे नहीं, स्पेशल क्लासेस पे भी आपको जस्ट पूरा का पूरा फ्री क्लासेस देता है। जो आपका अनअकैडमी ऐप है उसमें भी स्पेशल क्लासेस देता है जिसमें आपको फ्री कंटेंट मिलता है, तो आप उस पर भी जा सकते हैं। दिस इज माई कोड त्यागी 100। आप चाहें जैसे स्पेशल क्लास को अनलॉक करना है, लाइव टेस्ट को अनलॉक करना, फ्री क्विज को अनलॉक करना, अनअकैडमी कॉम्बैट को अनलॉक करना है, आप त्यागी 100 लगा के अनलॉक कर सकते हैं, इनकेस अगर आप करना चाहते हैं। ये अनअकैडमी आपको पेड कोर्सेज भी प्रोवाइड कराता है, इनकेस अगर आप पेड कोर्सेज पे आना चाहते हैं तो बेहतरीन टाइप से, अगर आपकी प्लानिंग है कि मुझे नेक्स्ट ईयर कुछ बेहतरीन टाइप का क्रिएट करना है और नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन लेना है, तो यू कैन गो विद द प्लस। प्लस में आपको मिलती है लाइव क्लासेस, आपको मिलता है क्रैश कोर्स, आपको मिलता है वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में, प्लस आपको मिल जाते हैं रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस। ठीक है, अगर आपको जस्ट बात करें कि सर प्लस नहीं और थोड़ा एक्स्ट्रा वर्जन चाहिए तो आप जा सकते हैं आइकॉनिक पे, जिसमें पूरा का पूरा प्लस के बेनिफिट मिलते हैं। साथ में आपको मिल जाता है पर्सनल कोच, एक मिल जाता है स्टडी प्लानर जो गेट ESE का रैंकर होता है, आपको प्रिपरेशन का स्टडी मटेरियल, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस। तो एक बेहतरीन, अगर आप चाहते हैं कि हाँ सर मैं कुछ इस टाइप से करना चाहता हूं, तो आप प्लस पे या आइकॉनिक कोई भी एक ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपकी कॉस्ट है, 12 मंथ्स की जो कॉस्ट है वो 27,225 है, 18 मंथ्स की जो कॉस्ट है वो 34,650 है, और 24 मंथ्स की जो कॉस्ट है 39,600। आफ्टर आपको कोड पूछेगा तो यू कैन यूज माय कोड इज त्यागी 100, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज फॉर 10% डिस्काउंट। आप 10% डिस्काउंट अगर चाहते हैं तो उसको लगा दीजिएगा और मेरा साथ चाहते हैं। ठीक है, नॉट ओनली 10% डिस्काउंट,
आपका आइकॉनिक का कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा है, अगर यहां से बात करें 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का तो थोड़ा सा ज्यादा है, आप यहां से जस्ट देख सकते हैं। ये बेनिफिट्स हैं, अगर आप मेरा वाला कोड यूज करते हैं तो उसके ये बेनिफिट्स हैं, आप मेरे साथ रहेंगे, मैं बताऊंगा, मैं गाइड करूंगा कि आपको कैसे करना, क्या करना, कितनी तैयारी करनी, क्या क्या चीज पढ़नी चाहिए, तो सारा का सारा मेरा गाइडेंस रहेगा, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स आपको मैं हमेशा बताता हूं, शाम को 6:15 PM पे आपका प्लस पे चल रहा है, तो जितने बच्चे प्लस पे ज्वाइन करना चाहते हैं वो शाम को मुझे अनअकैडमी प्लस पे 6:15 PM से मिलेंगे। ये अनअकैडमी कॉम्बैट है, इनकेस अगर आप अपीयर होते हो हर संडे को टॉप 3 में आते हो तो आपको जो क्लासेस हैं वो फ्री मिल जाती है। ऋषि, हाँ अच्छा ऋषि तुम भी हो, ओके चलो 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 इधर देखते हैं। ये अभी नए बैच स्टार्ट हुए, सो दिस इज माय कोड, आप ये वाला कोड यूज करके न्यू बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं 2022 या 2023 के लिए। जिसको भी लग रहा है कि आप 18 मंथ्स का लेना चाहते हैं या 12 मंथ्स का लेना चाहते हैं, तो व्हाटएवर जो भी आपको कोर्स ज्वाइन करना है वो वाला कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है। जिसने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया वो फिर से मैं अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकता है @tyagi100 पर, ठीक है। तो चलिए अपना जो क्वेश्चन वाला सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन है जस्ट आपको बताने के लिए, इन केस आपको लगता है कि मैं सीरियस हूं और मुझे नेक्स्ट ईयर श्योर शॉर्ट सिलेक्शन लेना है तो यस, आप प्लस पे आ जाइए या आप आइकॉनिक पे आ जाइए, व्हाटएवर जो भी है वहां पे आपको सारी चीजें कॉम्पैक्ट जो भी सारी चीजें कस्टमाइज मैनर में मिलती है। सो वन बाई वन मैं आपको क्वेश्चन देता जाऊंगा, आप मुझे आंसर करते जाएंगे। सो दिस इज, देखिए मैं शुरू से लेकर लास्ट तक के टॉपिक कवर किया, सो दिस इज फर्स्ट एन आइडियल फ्लूड, और मेरे ख्याल से देखते ही आंसर मारना है इसका, ठीक है। अगर हमसे यहां से जस्ट बात करें कि एन आइडियल फ्लूड इज क्या होगा बेटा, एन आइडियल फ्लूड जो होगा वो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, हार्डली 1 मिनट का टाइम देना है अपने आपको, हार्डली 1 मिनट का टाइम देना है, जल्दी से ऑप्शन बताओ। एक आइडियल फ्लूड क्या होगा, वन विच ओबेस, जितने लोग HPCL का पेपर देना चाह रहे हैं, राजस्थान JEE का पेपर देना चाह रहे हैं, आप इसरो के लिए जाना चाह रहे हैं या और भी पब्लिक सेक्टर के पेपर्स के लिए जाना चाह रहे हैं, तो यस आपका स्वागत है, जल्दी से बताएं। दिव्यांश पांडे ने जस्ट ऑप्शन दिया है बी, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी से आंसर किया करें, बाकी लोग भी जल्दी से आंसर किया करें, यस बी 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 सब लोगों ने आंसर कर दिया, यस। अनोज कुमार ने केवल ऑप्शन दिया। आइडियल फ्लूड क्या होता है, आइडियल फ्लूड का मतलब इनविस्कस होना चाहिए और इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। आइडियल फ्लूड का सिंपल सा मतलब यार कि इनविस्कस और इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, बस मैं इतना जानता हूं, ठीक है, वो इनविस्कस होना चाहिए और इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, एंड इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। इनविस्कस का मतलब बेटा, हमने यहां से जस्ट बोला सर इनविस्कस का मतलब क्या होता है, हमारा फ्रिक्शन जीरो होना चाहिए, ऑब्वियसली इनविस्कस एंड इनकंप्रेसिबल, हमने बोला फ्रिक्शन जीरो होना चाहिए मतलब फ्रिक्शनलेस, इनकंप्रेसिबल ऑलरेडी उसने दे रखा, वेरी विस्कस खत्म, फ्रिक्शनलेस एंड कंप्रेसिबल ये भी गलत है, वन विच ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वो न्यूटन्स लॉ होता, न्यूटन्स न्यूटोनियन फ्लूइड होता, तो ऑब्वियसली द ऑप्शन विल बी, कौन सा आएगा बेटा इसका, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बहुत आराम से, बहुत आराम से आप ध्यान दीजिएगा और चीजों को अच्छे से करिएगा, आप गलती करेंगे ये मुझे पता है, आप गलती करेंगे मुझे पता है, और कहां पे करेंगे ये भी मैं अभी बताता हूं, ठीक है। चलो यहां से दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर वन, बिल्कुल आराम से देखिएगा, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे, क्वेश्चन नंबर टू पे, क्वेश्चन नंबर टू उसने दिया है, इफ द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज 0.5 पॉइस एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.5, देन द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन स्टोक्स इज, देन द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन स्टोक इज, सारे लोगों को आंसर करना है एक तरफ से, शुभम है, ऋषि है, निमिषा है, अनोज है, साहिल है, जावेद है, निमिषा ने सी दिया है ऑप्शन, बाकी लोग भी बताएं, बाकी लोग भी आंसर बताएं जल्दी से। सी, दिव्यांश ने भी आंसर सी दिया, इफ द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, उसने यहां से बोला द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड म्यू दे रखा है 0.5 पॉइज़ है, पॉइज़ मतलब 0. यहां से किसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 1 का, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में आ गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी कितनी है बेटा, 500
डेंसिटी कितनी है 500, तो आपसे यहां से काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोला, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितनी हो जाएगी पॉइंट का 0.5 डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा कितना बेटा 500, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 1 फिनिश 1 × 10⁻⁴। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको क्लियर है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन इज सी, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन इज सी। दोनों अपने काउंटिंग करिएगा कितने सही होते हैं, काउंटिंग करिएगा बिल्कुल कितने सही होते हैं। विस्कोसिटी ऑफ द गैस, विस्कोसिटी ऑफ द गैस, थर्ड का बताएं विस्कोसिटी ऑफ द गैस, लास्ट में बताइएगा कि किसके कितने सही है। बी आपका ऑप्शन जो है वो एमएसक्यू भी हो सकते हैं, ठीक है आपके ऑप्शन एमएसक्यू भी हो सकते हैं, सो आप एमएसक्यू के हिसाब से भी आंसर कर सकते हैं इन केस अगर आपको लग रहा है। थर्ड का बी, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऐसे आंसर क्या करो। थर्ड का वी, फोर्थ का ए, सिक्स का सी, ऐसे मजा आएगा है ना, ऐसे मजा आएगा। यहां से जैसे उसने बोला विस्कोसिटी ऑफ द गैस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यार हमें पता है गैस की विस्कोसिटी म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, न्यू की बात करेंगे तो म्यू बाई रो, तो मतलब हमें यहां से बोला न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर कितना आ जाता बेटा 3/2, तो दोनों केस में इंक्रीज करती है, दोनों केस में इंक्रीज करती है। अगर हम यहां से जस्ट बोलेंगे तो यस इंक्रीज विद टेम्परेचर आ जाएगा, एक ऑप्शन तो सर ये मैच कर गया। अगर हमसे जस्ट बात करें इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर फॉर वेरी हाई प्रेशर इंटेंसिटीज, यस अगर हम यहां से जस्ट बोलेंगे तो सर म्यू, तो हमें यहां से दिख रहा है यहां से इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर है, मतलब म्यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट एज प्रेशर इंक्रीजेस, बट अगर हम म्यू बाई रो की बात करेंगे तो आप यहां से देखेंगे जैसे प्रेशर बढ़ेगा रो आपका बढ़ेगा, रो आपका क्या होता है बेटा बढ़ेगा, और रो बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है घट जाती है, तो काइनेमेटिक आपकी घट जाती है, तो ये आप नहीं बोल सकते, ये आप नहीं बोल सकते, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड का बेटा आपके पास कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन, थर्ड का आपके पास कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ का, देखिएगा नेक्स्ट बताइएगा फोर्थ का, 50 क्वेश्चन है टोटल 50 क्वेश्चन, और आप कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जरूर, बहुत जल्दी से करिएगा, बहुत जल्दी से करिएगा। एन ओपन टैंक कंटेन 1 मीटर डीप वाटर विद 15 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 ऑन इट अबव इट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द बॉटम ऑफ टैंक विल बी, कोई भी कैलकुलेटर का यूज नहीं करेगा, कोई भी बच्चा अपने साथ ऑनेस्ट रहे, कैलकुलेटर का यूज कोई भी नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी बच्चा मैं नहीं चाहता कैलकुलेटर का यूज करे। क्वेश्चन नंबर 4, फोर का डी 14, दिव्यांश पांडे ने आंसर दिया है 4 का D 14, बाकी लोग भी आंसर करें। गुड, बहुत अच्छे, मतलब उसने यहां से बोला है कि आपका एक ओपन टैंक है जिसमें 1 मीटर तक पानी भरा हुआ है और 50 सेंटीमीटर तक आपका ऑयल भरा हुआ है, प्रेशर एट, यहां से जस्ट पूछ रहा है आपसे इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर एट बॉटम, तो कितना हो जाएगा बेटा रो इंटू जी इंटू एच, तो 800, जी आपका 10 लेके चल रहा है वो, ऐसा जैसे हिसाब से आंसर दे रहा है,
हाइट आपके पास 50 सेंटीमीटर 0.5 प्लस का 1000 जी आपका 10 और इनटू हाइट कितना आ गया हुआ, ये कितना है 10000 प्लस का बेटा आपके पास कितना आ गया यहां से 4000, तो आपका पी इज इक्वल टू आ गया 14000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया सबका सबका 14 के अलावा कोई आंसर नहीं आना चाहिए, 14 के अलावा कोई आंसर नहीं आना चाहिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। सो फोर्थ का जो ऑप्शन जाएगा दैट इज डी, फोर्थ का जो ऑप्शन जाएगा दैट इज डी। कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन अ प्लेन सरफेस इमर्ज्ड वर्टिकली इन अ स्टैटिक मास ऑफ द फ्लूइड इज, सेंटर ऑफ प्रेशर की पोजीशन आपसे पूछना चाह रहा है। एकदम से बस देखते ही चीर देना है क्वेश्चन को, इतना सोचना ही नहीं है। फिफ्थ का सी, तन्मय ने बताया है फिफ्थ का सी है, ऑलवेज ब्लो द सेंट्रोइड ऑफ द एरिया। यस, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑलवेज लाई ब्लो द सेंटर ऑफ, यहां से हम जस्ट बात करते हैं ग्रेविटी की, हमारा जहां पे भी जस्ट बात करते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा ब्लो लाई करता है, तो इस एरिया का सेंट्रोइड जो है वो यही है, तो इसके हमेशा नीचे लाई करेगा, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑलवेज ब्लो द सेंट्रोइड, ऑलवेज ब्लो द सेंट्रोइड। शुभम ने आंसर ए दिया है एट द सेंट्रोइड, गलत, ये तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है बेटा, एबव वाला भी बिल्कुल गलत है, जो आएगा वो कौन सा आएगा सी। साहिल ने भी सही दिया, अनुज ने सही दिया, केवल शुभम ने आंसर रॉन्ग किया, बाकी सब लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया, गुड, ठीक है, बाकी सब लोगों ने आंसर सही दिया। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। राइट सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट टॉप इज फिल्ड विद लिक्विड एंड रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस एट सच अ स्पीड दैट हाफ ऑफ द लिक्विड स्पिल्स आउट, देन प्रेशर इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ बॉटम। हाँ, नहीं पढ़ा है तो फिर नहीं होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर नहीं होगा, ये मतलब पब्लिक सेक्टर के क्वेश्चन है जिसमें सारा जितना एफएम है पूरे एफएम से क्वेश्चन होंगे, इसमें फुल एफएम से क्वेश्चन होंगे, तो आप जस्ट ट्राई कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। और यस, दिव्यांश पांडे ने बताया है 6 का ए, बाकी लोग भी बताएं, साहिल राज ने बताया, ठीक है, तो यू कैन जस्ट चेक योर सेल्फ कि हाँ हमारे पास क्या है। ऑब्वियसली यार ये टैंक है, ये टैंक है, ये पूरा भरा हुआ है, उसने बोला राइट सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट द टॉप इज फिल्ड विद लिक्विड, यहां से पूरा का पूरा ये लिक्विड से भरा हुआ है, उसने यहां से बोला है कि रोटेट्स अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस सच ए स्पीड दैट हाफ ऑफ द लिक्विड स्पिल्स आउट। हाफ ऑफ द लिक्विड स्पिल्स आउट का मतलब ये ऐसे कुछ पैराबोलॉइड बना रहा होगा, और जब ऐसे पैराबोलॉइड बना रहा होगा मतलब जितना ऊपर जा रहा होगा उतना ही नीचे जा रहा होगा, तो जब इसमें आधा बचेगा तो यहां पे बेटा क्या आपको यहां से उसकी जमीन देखना शुरू हो जाएगी, जमीन देखना शुरू हो जाएगी, तो मतलब प्रेशर कितना होगा बेटा जीरो, प्रेशर कितना हो जाएगा जीरो। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा ए। मैं पढ़ाऊंगा ये चीज, मैं पढ़ाऊंगा जब टाइम आएगा तो मैं इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो प्रेशर विल बी जीरो एट द सेंटर, अगर वो नीचे बात करेगा तो हमारा पैराबोलाइड जो बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द ओरिजोनटल कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन अ कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू,
सातवें का बी दिया है दिव्यांशु पांडे ने। जस्ट जल्दी से एकदम से देखो और बस आंसर करो। द ऑरिजोंटल कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स की बात कर रहा है, ऑरिजोंटल कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स जो होगा वो क्या होगा? इट इज नथिंग, इट इज द हाइड्रोस्टेटिक फोर्स विच एक्टिंग ऑन द वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया। जब भी आप कर्व्ड सरफेस की बात करते हो तो इसका ये वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया की तो बात करते हैं। देखो दो चीजें होती हैं इसमें, अगर कोई भी कर्व्ड सरफेस है तो इस कर्व्ड सरफेस का एक वर्टिकल प्रोजेक्शन देखते हैं, एक ऑरिजोंटल प्रोजेक्शन देखते हैं, इस टाइप से ये ऑरिजोंटल प्रोजेक्शन भी देखते हैं इस टाइप से। तो हमने यहां से वर्टिकल प्रोजेक्शन देखा, ये रहा ऑरिजोंटल कंपोनेंट। ऑरिजोंटल कंपोनेंट किस पे लगता है बेटा? इस वर्टिकल प्रोजेक्शन पे। किस पे लगता है? ये वर्टिकल प्रोजेक्शन पे। बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से पढ़ रखा होगा। सो क्वेश्चन नंबर यहां से जस्ट बोला उसने ऑरिजोंटल कंपोनेंट के, तो फोर्स ऑन द वर्टिकल प्रोजेक्शन की बात कर रहा होगा। और अगर वर्टिकल कंपोनेंट पूछ देता तो क्या हो जाता? वेट ऑफ द लिक्विड वर्टिकली अबव द कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस के ऊपर वेट ऑफ द लिक्विड होल्ड बाय द कर्व्ड सरफेस अप टू फ्री सरफेस जो होता वो हमारा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता। ठीक है, सो दिस वाज करेक्ट फॉर वर्टिकल कंपोनेंट। फोर्स ऑन द ऑरिजोंटल प्रोजेक्शन, ऑरिजोंटल प्रोजेक्शन पे तो कोई फोर्स की बात ही नहीं हो रही थी। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटेंसिटी एट इट्स सेंट्रोइड एंड एरिया, कोई मतलब नहीं है। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ क्लोज टैंक कंटेनिंग वाटर इज मूविंग इन अ ऑरिजोंटल डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड। एक क्लोज टैंक है कंटेनिंग वाटर इज मूविंग इन अ ऑरिजोंटल डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड। द टैंक ऑल्सो कंटेन अ स्टील बॉल एंड अ बबल ऑफ एयर। इफ द टैंक इज डिसलरेटेड ऑरिजोंटली देन, तो जस्ट क्वेश्चंस का आइडिया लो। एक जितने लोग एचपीसीएल वगैरह का पेपर देना चाहते हैं सो आप क्वेश्चंस का एक बार आइडिया लो तो आपको बेहतर चीजें समझ में आएंगी। ये एक ट्रक है जिसमें इसने, ये कंटेनर है जिसमें दे रखा है, इसमें एक स्टील बॉल पड़ी हुई है, एक बबल पड़ा हुआ है। ठीक है, एक स्टील बॉल है, एक बबल है। वो आपसे पूछना चाह रहा है स्टील बॉल किस साइड, ये इस साइड ट्रेवल कर रहा है, ये इस साइड ट्रेवल कर रहा है, ये टैंक यहां से ऐसे चल रहा है। आठवें का ए दिव्यांशु पांडे ने, तन्मय ने बताया है, तुषार रस्तोगी ने बोला है बी एंड सी, मिस्टेक कर गए तुषार, है ना, तुषार मिस्टेक कर गए। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, हमने यहां से बोला कि जब कैसे आप पता करते हो, पता कैसे करना, देखो हमेशा ध्यान रखना है, एक ट्रक है, एक ट्रक है, पानी भर के चल रहा है, उसमें बबल भी बन रहा है, उसमें बबल भी बन रहा है और उसमें कोई बॉल भी पड़ी हुई है। तो जब आपके ट्रक में, यहां से जस्ट बोला कि हमने ब्रेक लगाया, जब ब्रेक लगाएगा तो जो मोस्ट ऑफ द वाटर होगा वो इस साइड शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, ये तो करेगा ना। यहां से जस्ट हमने ब्रेक लगाया तो एकदम से ये इधर की तरफ जाने की, जब हमारी गाड़ी में ब्रेक लगता है तो हम क्या करते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, तभी तो हम ऐसे पकड़ के रखते हैं। तो हमने बोला कि जो वाटर होगा वो इस साइड शिफ्ट होने की कोशिश करेगा ऐसे। अच्छा, जब ये ऐसे शिफ्ट होने की कोशिश करेगा तो मतलब जो हैवियर, जितने भी हाई फोर्सेस हैं वो इस साइड जाने की कोशिश करेंगे, लोअर फोर्सेस इस साइड जाने की कोशिश करेंगे, बस हो गया क्वेश्चन, बस हो गया। बबल और स्टील बॉल में हैवियर कौन सा होगा? जो हैवियर होगा वो इस साइड जाएगा, जो लोअर होगा वो इस साइड जाएगा। मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, आप परेशान मत होइए, मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि बॉल किस साइड जाएगी, तो जिस साइड ब्रेक लग रहा है तो बॉल विल मूव टू द फ्रंट और बबल विल मूव टू द रियर। एक बच्चे ने दिया था लेकिन वो उल्टा कर गया, एक बच्चे ने आंसर दिया था तुषार ने, लेकिन तुषार उल्टा कर गया, मतलब उसने उल्टा कर दिया जस्ट। समझ गया मेरी बात? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, कहीं पे भी अगर आपको डाउट हो तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, मैं बताऊंगा,
ऐसे क्वेश्चन छोटे से पूछ देता, पता नहीं एफएम का क्वेश्चन आया था सर, पढ़ा ही नहीं मैंने, ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शन बनेंगे जाके वो कौन कौन से बनेंगे, ए एंड डी, ए एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईडी विस्कोसिटी फॉर द टर्बुलेंट फ्लो इज, हाँ तुषार मतलब फंस रहा है, इतिहास बदल दिया था तुमने पूरा, है ना, बॉल पीछे जाएगी और बबल आगे जाएगा बैलेंस करने के लिए, बॉल भारी होती है बबल हल्का होता तो आगे ऐसे जाएंगे, है ना, दोनों सर बैलेंस हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। ईडी विस्कोसिटी फॉर द टर्बुलेंट फ्लो इज, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, डिपेंडेंट ऑन द फ्लो, इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्लो। यस बेटा बताए, नाइन्थ का सी, सी शुभम ने भी सी दिया, दिव्यांशु पांडे ने भी सी दिया, बाकी लोग बता दें। यस, बोस्निक्स ने, बोस्निक्स ने एक इक्वेशन दी थी, बोस्निक्स ने एक इक्वेशन दी थी और बोस्निक्स ने आपको बोला था, क्या बताया था उन्होंने, बोला था कि टाउ इज इक्वल टू टाउ ऑफ लेमिनार और प्लस का बेटा आपको यहां से जस्ट बोला था टाउ ऑफ टर्बुलेंट, प्लस का टाउ ऑफ टर्बुलेंट, है ना। तो लेमिनार और टर्बुलेंट की अगर हम बात करें तो टाउ ऑफ द लेमिनार जो हमारे पास है दैट इज म्यू इनटू डीयू बाय डीवाई और यहां से प्लस का मिला था नीटा और डीयू बाय डीवाई। बेटा वेयर जो आपके पास नीटा है ना दैट वाज द ईडी विस्कोसिटी, नीटा जो है ना ये है आपके पास ईडी विस्कोसिटी और ये जो ईडी विस्कोसिटी है हमने यहां से बोला था कि ये फ्लो पे डिपेंडेंट होती है, फ्लो की वजह से होती है। व्हेन फ्लो चेंजेस फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट तो आप यहां से जस्ट बोलेंगे इसका मतलब ईडी विस्कोसिटी आएगी। सो आपका यहां से लेमिनार से टर्बुलेंट की तरफ जब फ्लो बदलेगा तो देन यू विल से द विस्कोसिटी विल जस्ट ईडी विस्कोसिटी विल कम्स इनटू द पिक्चर, है ना। तो ये हमारे पास आती है ईडी विस्कोसिटी, इट इज अ फ्लो प्रॉपर्टी नॉट अ फ्लूइड प्रॉपर्टी। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आ जाएगा, सी। सो नाइन्थ का ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। फ्लो एट कॉन्स्टेंट रेट थ्रू अ टेपरिंग पाइप इज, फ्लो एट कॉन्स्टेंट रेट थ्रू अ टेपरिंग पाइप इज, एक टेपरिंग पाइप है उसमें कोई भी फ्लो है जो कॉन्स्टेंट रेट से जा रहा है, क्यू सेम है, तो उसने पूछा है आपके पास स्टडी होगा, यूनिफॉर्म होगा, अनस्टडी होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ए एंड डी, तुषार रस्तोगी ने बोला है ए एंड डी। यस, तो देख सकते हो बहुत आराम से आपका टेपरिंग है, टेपरिंग इस टाइप से, ठीक है। तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही होगी आपका यहां पे, चाहे ये यहां से ऐसे बात करे चाहे वो ऐसे बात कर दे, वेलोसिटी इज गोइंग टू चेंज। अगर ऐसे आ रहा तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। आपका फ्लोरेट सेम है, फ्लोरेट सेम है मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में कोई भी वेरिएशन नहीं है, तो इसका मतलब स्टडी तो है, स्टडी तो है, बट ये यूनिफॉर्मिटी शो नहीं कर रहा है बिकॉज बेटा आपका डाया जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो इसके दो ऑप्शन सही होंगे, इसके दो ऑप्शन सही होंगे, एक ए, एक ए और दूसरा डी। टेपरिंग पाइप है तो यूनिफॉर्मिटी शो नहीं करेगा आपका, यहां से स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म विल बी द आंसर, ठीक है। जितने लोगों ने दिया है वो देख ले उन्होंने गलती की है, उन्होंने कुछ छोटी सी मिस्टेक कर गए, दैट मिस्टेक शुड नॉट बी डन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। When the velocity distribution is uniform over the cross section, the correction factor for momentum is, तुषार ने आंसर दिया है, गुड। इलेवन का बी। ऑब्वियसली वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ऑब्वियसली वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो करेक्शन फैक्टर फॉर मोमेंटम की बात करता है। मोमेंटम इज इक्वल टू कितना हो जाता बेटा, यू स्क्वायर डी ए, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाता है, ए बी स्क्वायर, डिवाइड बाई कितना आ जाता है, ए बी स्क्वायर। तो ऑब्वियसली जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वेरिएशन नहीं होगा, तो आपका यहां से मोमेंटम करेक्शन फैक्टर कितना हो जाएगा, वन। सोचने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। सर क्या आप क्वेश्चन पूछ दिया, यस। अब वही होता है कि जब हम जल्दी में होते हैं तो हम यहां पर गलती करते हैं, ऑब्वियसली गलती करते हैं, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ करेक्शन फैक्टर, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ करेक्शन फैक्टर। काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज वन। काइनेटिक करेक्शन फैक्टर पूछा ना, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर पूछे। द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। ए एंड सी, तुषार ने बोला है ए एंड सी। Yes. तो सबसे पहले एक चीज दिमाग में डाल लो, करेक्शन फैक्टर की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है। ये जो आपने यहां से जब भी बात करेगा, जब भी वेलोसिटी यूनिफॉर्मिटी शो करेगी, तो करेक्शन फैक्टर की मिनिमम, भाई कंपैरिजन करते हो ना, 0 हो गया मतलब आपका फ्लूड चल ही नहीं रहा है, 0 हो गया मतलब आपका फ्लूड चल ही नहीं रहा है। तो करेक्शन फैक्टर का मतलब हमने कितना फास्टली रीच कर रहा है लोकल एनवायरमेंट की बात कर रहा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू, भैया अगर सब कुछ सेम है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होती है। करेक्शन फैक्टर की जो मिनिमम वैल्यू होती है, ध्यान रखना, करेक्शन फैक्टर मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ठीक है, ध्यान रखना। गलती कर गए है ना, गलती कर गए जिन्होंने ए एंड सी दिया है, दोज हु हैव डन मिस्टेक्स। तो आपका आंसर जो आएगा वो बी एंड डी आएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आएगा बेटा वो बी एंड डी आएगा। सो ध्यान रखना इस चीज को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। लास्ट इक्वेशन में ये आंसर था, ऑब्वियसली किसी ने समझे ही नहीं, फीलिंग अगर ले लेते, हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ कहता है, अपने अंदर कुछ ना कुछ छुपा के रखता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, सेंटर ऑफ बायंसी को इंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, को इंसाइड विद द सेंट्रॉइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, रिमेन्स अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रिमेन्स बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऑलवेज बोला है उसने, ऑलवेज। आमिर खान ने बोला है 13 का बी, एस टी सिंह ने बोला बी, यस। तो आप समझ जाइए कि सेंटर ऑफ बायंसी की अगर हम ऑलवेज वाली डेफिनेशन की बात करें तो यस,
कोइंसाइड विद द सेंट्रोइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं सर, जितना वॉल्यूम वहां से हटाओगे उसका जो डिस्प्लेस्ड, जो भी डिस्प्लेस वॉल्यूम होगा उसको जो सेंटर होगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ बायंसी, दैट विल बी द सेंटर ऑफ बायंसी। तो मेरे ख्याल से इसका आप यहां से देख लिए होंगे, द ऑप्शन विल बी बी, 13 का ऑप्शन जो आ जाएगा वो बी आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से मे बी कुछ नहीं, मे बी कुछ नहीं। If the weight of the body immersed in a fluid exceeds the buoyancy force, then the body will yes, Divyansh Pandey 14B, 14B, ST Singh 14B. Yes, ये करेक्ट करेक्ट, कुछ नहीं सोचना है यहां से, जस्ट बोला मूव्स डाउनवर्ड, जब बॉडी का वेट ही ज्यादा है तो डूब जाएगी, मरने दो उसको, जब उसका वेट ज्यादा है बायंसी से तो वो डूब जाएगा, है ना। तो यहां से जस्ट हम बात करें टेंस टू मूव डाउनवर्ड एंड इट मे फाइनली सिंक, क्लियर। चलते दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, 14 का बी था, 14 का आंसर जो था वो बी था बेटा। This is question number 15. The increase in the metacentric height. Increase in the metacentric height. फिफ्टीन का ए दिव्यांश पांडे ने बोला है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने डी दिया है। फोर्टीन का बी, फोर्टीन नहीं अभी मुझे 15 चाहिए। चांदनी ने ए दिया। देखो सिंपल सी बात है यार, मेटासेंट्रिक हाइट हम बढ़ाते हैं, नो डाउट जीएम जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे स्टेबिलिटी तो बढ़ती है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, स्टेबिलिटी तो इंक्रीज करती है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब अगला क्वेश्चन यह है कि आपका क्या कंफर्ट में कोई बात आता है, यस आपने यहां से पढ़ा होगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, यहां से देखिए के जी स्क्वायर डिवाइड बाई जी और इंटू में हमारे पास यहां से कितना आता है जीएम, जी इंटू कितना आ जाता है जीएम आ जाता है, मतलब आपके पास यहां से जो बेटा मिल जाता है वो आप समझिए। के जी क्या है, के जी इज रेडियस ऑफ गायरेशन, के जी आपके पास क्या होती है बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन, आपने अगर पढ़ा होगा रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब इफेक्टिव रेडियस की बात कर रहा है जो उस टाइम पे काम कर रही है, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है केजी आपके पास है रेडियस ऑफ गायरेशन, और आप यहां से जस्ट बोलते हैं आई इज इक्वल टू ए केजी स्क्वायर, एरिया मोमेंट ऑफ एनर्जी ए केजी स्क्वायर, तो केजी की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो केजी इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाई ए। अगर आप यहां से बात करेंगे तो आप बहुत आराम से समझ सकते हैं जीएम बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है सर जीएम बढ़ेगा, इसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीएम के बढ़ने के साथ आपका कंफर्ट जो है वो बदल जाएगा, जीएम बढ़ने के साथ साथ कंफर्ट जो है वो आपका बदल जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन आपका घट जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन घटने का मतलब समझ रहे हो, पहले आपका जो शिप होगा वो ऐसे ऐसे फ्लोट कर रहा होगा, फिर जैसे जैसे टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन बढ़े घटेगा वैसे वैसे ऐसे ऐसे फ्लोट करेगा, और जब ऐसे ऐसे फ्लोट करेगा तो समझ रहे हो ना कि कोई बंदे दो सो रहे होंगे, है ना, पता चला किसी के साथ कोई सो रहा है, किसी के साथ कोई गिर रहा है जाके, है ना, पता चला हम गए थे किसी को लेके और वो किसी और के साथ पहुंचा, है ना, तो ऐसा हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन अब डिक्रीज द कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर,
पैसेंजर्स का कंफर्ट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ऑब्वियसली वाइब्रेशन ज्यादा आते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, सॉरी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो आपके दो ऑप्शन सही होंगे बेटा, ए एंड डी। जितने लोगों ने किया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए दो ऑप्शन सही होंगे, एक आपका ए और एक आपके पास डी। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज 16, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक 2 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर वाइड, 1 मीटर डीप फ्लोट्स इन वॉटर। द डेप्थ ऑफ इमर्जन इज 0.5 मीटर। इफ द वॉटर वेज 10 kN पर मीटर क्यूब, देन द वेट ऑफ द ब्लॉक इज, वेट ऑफ द ब्लॉक इज, बताए बेटा डी 20 kN। दिव्यांश पांडे ने आंसर दिया है 16 का डी। मोहम्मद रजुल्ला ने आंसर दिया है बी, बी रजत शर्मा ने आंसर दिया बी, साहिल राज ने आंसर दिया है बी, यार देखो उसने सिंपल बोला एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है उसका जस्ट जो कुछ भी उसने जो भी दे रखा है उसने बोला द डेप्थ ऑफ इमर्जन इज 0.5 मीटर। इफ समझना मेरी बात, इफ द वॉटर वेज 30 यहां से 10 kN पर मीटर क्यूब, देन द वेट ऑफ द ब्लॉक इज, समझो यहां से एक ब्लॉक है जिसका उसने यहां से डेप्थ ऑफ इमर्जन बता रखा है 0.5, है ना, ये उसने यहां से बता रखा है 0.5, और यहां का जो 0.5 पे जितना यहां से डेप्थ ऑफ इमर्जन लिया है, यहां का वाटर वेट उसने यहां से बता दिया है कि जो वाटर है उसका वेट जो है वो आपका कितना है 10 kN। बेटा 10 kN वाटर का वेट है तो इतना ही तो बायंसी लग रहा होगा, इतना ही तो बायंसी लग रहा होगा वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, और जब इतना ही बायंसी लग रहा है ये फ्लोट कर रहा है, अगर ये फ्लोट कर रहा है तो फ्लोट करने का सीधा सा मतलब है कि ये FB इज इक्वल टू क्या हो गया होगा मेरे लाल, MG हो गया होगा, FB इज इक्वल टू MG हो गया होगा, मतलब वेट ऑफ द ब्लॉक हो गया होगा। तो सोचने की जरूरत क्या थी, सोचने की जरूरत क्या थी सर, और अगर 20 kN हो गया तब तो ये डूब जाएगा ना, 20 kN हो गया तब तो बच्चे डूब जाएगा ना, तो 16 का ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा, 16 का ऑप्शन जो आएगा वो कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। So this is question number 16 and now let's come to the question number 17. Now let's come to the question number 17. Question number 17 देखिए. The point in the immersed body through which the resultant pressure of the liquid may be taken to act is known as, सेवनटीन सी, गुड 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 गुड। उसने यहां से बोला है भैया कुछ नहीं है, जहां पे पूरा का पूरा प्रेशर फोर्स एक्ट करता है वही तो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है, इमर्स में जहां पे हम बात करते हैं ये सेंटर ऑफ प्रेशर होता है, तो सर इतना सोचना क्या है, इतना सोचना क्या है, सो दिस इज योर सेंटर ऑफ प्रेशर,
दिस इज योर सेंटर ऑफ प्रेशर, तो 17 का आपके पास कौन सा ऑप्शन आ गया? 17 का आपके पास कौन सा ऑप्शन आ गया? सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, एन ओपन क्यूबिकल टैंक ऑफ 2 meter साइड इज फिल्ड विद वॉटर। इफ द टैंक इज रोटेटेड विद एन एसेलरेशन सच दैट द हाफ ऑफ वॉटर स्पिल्स आउट देन द एसेलरेशन इज इक्वल टू। गुड गुड गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आगे बताएं बेटा, आगे बताएं, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं बेटा। सी, 2z/3। एन ओपन क्यूबिकल टैंक है ऑफ 2 meter साइड इज फिल्ड विद वॉटर। इफ द टैंक इज रोटेटेड विद एन एसेलरेशन सच दैट द हाफ ऑफ वॉटर स्पिल्स आउट। 18वें का सी साहिल राज, 18वें का सी चांदनी ने दिया सी, एसडी सिंह ने आंसर दिया है डी। तो बेटा अगर यहां से कोई भी टैंक है जिसको रोटेट कराना चाह रहे हो तो आप यहां से जस्ट देखो ना, ये रहा लेट सपोज हमारे पास टैंक, इसको रोटेट कराना चाह रहे हो तो हमारा क्या बनेगा, यहां से पैराबोलॉइड बनेगा। हाफ ऑफ द वॉटर स्पिल कर रहा है, हाफ ऑफ द वॉटर हमारा क्या कर रहा है, स्पिल कर रहा है। तो एच इज इक्वल टू कितना बनेगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई आपके पास 2g बनेगा। तो जी तो वही रहेगा ना, एसेलरेशन थोड़ा ना चेंज होने जा रहा है यार, वो जी के अंडर में ही तो रहेगा ना। तो क्यों उसमें बी और ए के ऑप्शन आ रहे हैं, क्यों उसमें बी और ए के ऑप्शन आ रहे हैं? उसने बोला देन द एसेलरेशन इज इक्वल टू, एसेलरेशन तो जी रहेगा ना बेटा, एसेलरेशन क्यों चेंज हो जाएगा, एसेलरेशन क्यों चेंज हो जाएगा? समझ रहे हो मेरी बात? जितने लोगों ने बी दिया, एक लोग ने केवल आंसर दिया है सही, दैट इज डी। हम वाई वी आर यूजिंग 2z/3, z/3। जी तब चेंज होगा जब हम बहुत ज्यादा हाइट चेंज करेंगे, हम चांद पे पहुंच जाएं तब हमें समझ में आ रहा है कि हाँ चलो सर जी चेंज हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, सो द ऑप्शन विल बी डी, ऑप्शन जो आपको मिलेगा दैट इज डी। समझो इस बात को, गलती मत करना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इज रो वन वी वन ए वन इज इक्वल टू रो टू वी टू ए टू इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ फ्लूइड। जी कभी जी को आप अदला बदली मत करना, ठीक है, जी की अदला बदली मत करना। हम एसेलेशन अगर ए पे बात करेंगे तब चेंजेस की बात करते हैं। हाँ, tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, दैट इज ओके। यस बेटा बताए, ए एंड सी, यहां से कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की जस्ट बात कर रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 और 19 का तुषार रस्तोगी ने आंसर दिया है ए एंड सी, दिव्यांश पांडे ने दिया है ए एंड डी, अनोज कुमार ने आंसर दिया है ए एंड सी। ओके, सो थोड़ी बहुत तो गलतियां हो रही हैं यार। देखो एक बात सिंपल सी बताएं ना, सिंपल सी बताऊं, अगर आप यहां से जस्ट इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, ये कुछ नहीं बोल रहा है, ये कोई कंट्रोल वॉल्यूम है, इसमें मास जितना एंटर कर रहा है मास इन, और ये मास आउट की बात कर रहा है, मास आउट की बात कर रहा है, मास इन और मास आउट की बात कर रहा है। तो मास इन इज इक्वल टू मास आउट, मतलब
हमने यहां से बोला कि मास इन माइनस का मास आउट इट शुड बी इक्वल टू होना चाहिए मास ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, है ना, मास ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। मैंने बोला कि टाइम के रेस्पेक्ट में ले लो डी बाई डी टी, इसको भी टाइम के रेस्पेक्ट में ले लो डी बाई डी टी, और ये मास फ्लो रेट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। बट हमने यहां से बोला कि अगर मैं डी बाई डी टी की बच्चे बात करूंगा तो मुझे पता है कि अगर मैं इस यहां से स्टडी फ्लो लेके चलूंगा तो इट इज डैम श्योर कि स्टडी फ्लो के लिए कंट्रोल वॉल्यूम के जो भी चेंज इन प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, जीरो। तो इसकी चेंज इन प्रॉपर्टी हो गई जीरो। ये मास फ्लो रेट इन मास फ्लो रेट आउट मतलब रो वन ए वन वी वन और माइनस का रो टू ए टू वी टू इट इज इक्वल टू हमारे पास बेटा आ जाएगा जीरो, मतलब आपके पास आ जाएगा रो वन ए वन वी वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रो टू ए टू और इन टू कितना हो जाएगा वी टू। अगर ये इनकम्प्रेसिबल होता तो डेंसिटी कॉन्स्टेंट होती बेटा, है ना, अगर इनकम्प्रेसिबल होता, डेंसिटी अलग अलग है ना, डेंसिटी अलग अलग है तो मतलब इनकम्प्रेसिबल तो नहीं बोल सकते, इनकम्प्रेसिबल नहीं बोल सकते। यूनिफॉर्मिटी के बारे में, अगर वो यूनिफॉर्मिटी की बात करता बेटा, यूनिफॉर्मिटी की बात करता तो यूनिफॉर्मिटी के केस में ये आ जाता, समझो मेरी बात, वेलोसिटी सेम होती वो भी नहीं हो सकता, फ्रिक्शनलेस फ्लो कोई बात नहीं है फ्रिक्शनलेस की, तो बचा कौन सा स्टडी, ये स्टडी तो हमने यहां से देख लिया ना, स्टडी के केस में प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही, तो हमारे पास कौन सा बचेगा, ए ऑप्शन बचेगा, हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचेगा, ए ऑप्शन बचेगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड 19 के लिए आपके पास जो ऑप्शन रहेगा दैट इज ए, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 20, द मोशन ऑफ एयर मास इन अ टोर्नेडो इज, मोशन ऑफ यस 20th का ए बता रहे हैं, फ्री वोर्टेक्स मोशन, चलो इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहां से जब हम टॉर्नेडो की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ इस टाइप से मिलता है, ठीक है, कुछ इस टाइप से मिलता है। तो हमें फोर्स वोर्टेक्स मिलता है एट द सेंटर ऑफ, फ्री वोर्टेक्स मिलता है हमें आउटसाइड, ध्यान रखिए। तो डी ऑप्शन आएगा ना कि ए आएगा, ठीक है, 20th का डी आएगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा ये चीज, जब मैं आपको वोर्टेक्स मोशन पढ़ाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा। ये आपको फोर्स वोर्टेक्स मिलता है एट द सेंटर और फ्री वोर्टेक्स मिलता है बेटा आपको आउटसाइड, ठीक है। अभी बस याद रख लीजिए बिकॉज क्वेश्चन है तो हमें पता होना चाहिए। फिर आपको जब भी टॉर्नेडो की बात करेगा, टॉर्नेडो मतलब घूमता है, देखा होगा तुमने, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, स्ट्रीम लाइंस एंड पाथ लाइन ऑलवेज कोइंसाइड, स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन ऑलवेज कोइंसाइड इन केस ऑफ, स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन ऑलवेज कोइंसाइड इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो, लेमिनार फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। 21A, ये तो सब कर लेंगे, ये तो गलती नहीं करेगा कोई भी, है ना, ये तो गलती नहीं करेगा एक्सेप्ट शुभम, बाकी कोई भी गलती नहीं करेगा, है ना। यस, तो ऑब्वियसली स्टेडी फ्लो के लिए स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीक लाइन एंड पाथ लाइन तीनों की तीनों क्या करती है, कोइंसाइड करती है। इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीक लाइन एंड पाथ लाइन ऑल कोइंसाइड कर जाती है, ठीक है। 21 का आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाए, सेम हो जाएगा, ठीक है। 21 आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मेरे ख्याल से देखते ही आंसर आना चाहिए, मेरे ख्याल से देखते ही आंसर आना चाहिए इसका। फॉर लेमिनार फ्लो इन सर्कुलर पाइप्स द डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर एफ इज इक्वल टू, बाईसवें का सी,
यस बिल्कुल सही है, 22वें का सी, 22 का सी, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा किसी को भी, ना ही कुछ समझाऊंगा। एफ इज इक्वल टू 64 बाई आर ही होता है इन केस ऑफ द लेमिनार फ्लो, किसी भी लेमिनार फ्लो के लिए। ये जनरलाइज क्वेश्चन है, मतलब आप अगर जब पब्लिक सेक्टर में जाते हो ना तो पब्लिक सेक्टर में ये जनरलाइज क्वेश्चन है जो होते ही होते, इसके अलावा बाकी के क्वेश्चन इधर उधर होते हैं। बाकी के क्वेश्चन अगर 7-8 क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन एफएम से आ रहे हैं तो उसमें से आप देख लेना, इसी में से 4-5 क्वेश्चन इसी को घुमा के इधर उधर कर देगा। ये जनरलाइज क्वेश्चन है जो मतलब पूछता ही पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, मेरे ख्याल से ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो सर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये तो मजाक हो गया। द इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, मास, यस 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 यस, सो दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन। 23 का कितना आ जाएगा बेटा, क्वांटिटी इक्वेशन एक्चुअल में हमें कंजर्वेशन ऑफ मास ही देती है, क्वांटिटी इक्वेशन एक्चुअल में हमें कंजर्वेशन ऑफ मास ही देती है, तो हम बेवजह परेशान है। ठीक है चलो बेटा नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 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 देखते हैं। यस इतना बड़ा पवन पाटिल, चलो। इन अ स्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड द टोटल एसिलेशन ऑफ एनी फ्लूइड पार्टिकल, इन स्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड द टोटल एसिलेशन ऑफ एनी फ्लूइड पार्टिकल इज नेवर जीरो, इज ऑलवेज जीरो, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, कैन बी जीरो। चार ऑप्शन है 24 में, सी इज ऑलवेज जीरो, 24 का ए रजत शर्मा ने दिया है, दिव्यांश ने ए दिया है, स्टेडी फ्लो ओनली लोकल आइसोलेशन इज जीरो, 24 का ए। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर हमारा एक पाइप है, अगर हमारा एक पाइप है, उसने यहां से जस्ट बोला है इन स्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड द टोटल आइसोलेशन, नो डाउट अगर हम यहां से जस्ट बात करेंगे, टोटल एसोलेशन इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है आपके पास लोकल, और प्लस का आपके पास आ जाता है कन्वेक्टिव, है ना, लोकल और प्लस आपके पास आ जाता है बेटा कन्वेक्टिव। अब मेरी बात समझना, हमने यहां से बोला कि स्टडी है तो लोकल तो नो डाउट जीरो होगा, लोकल तो नो डाउट जीरो होगा, और बाई चांस अगर हमारा पाइप का डाया नहीं बदल रहा तो यूनिफॉर्म भी हो गया, और अगर यूनिफॉर्म हो गया तो ये वाला भी जीरो हो सकता है। सो ये जो रहेगा दिस इज मे बी जीरो, इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है। तो अगर हम ऑलवेज जीरो की बात करें तो जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है। तो इसको बेटा हम यहां से जस्ट बात करते हैं कि ऑलवेज तो नहीं होगा, ऑलवेज तो नहीं होगा, नेवर भी नहीं बोल सकते, नेवर भी तो नहीं बोल सकते कि टोटल एसोलेशन कभी जीरो नहीं हो सकता, यह भी गलत है। इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट हो गया तो फायदा क्या हुआ, इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट हो गया तो सुनो मेरी बात, एसोलेशन आपकी वेक्टर प्रॉपर्टी है, और अगर वेक्टर प्रॉपर्टी तो इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट कैसे हो सकता है सर, डायरेक्शन तो बताएंगे, तो यह भी गलत हो गया। यस जीरो हो सकता है, मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो, क्लियर, तो ये कैन बी जीरो उसने दिया है। सो आपके पास जो ऑप्शन बनेगा दैट इज ए, 24 का जो ऑप्शन आपके पास बनेगा दैट इज ए, क्लियर होगा मेरे ख्याल से सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, पिटोट ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर, पिटोट ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर ए वेलोसिटी एट द स्टैग्नेशन पॉइंट, ए ए ए ए खा गए ना धोखा सबके सब, 25 का डी नीतीश ने बोला, यस डायनेमिक प्रेशर, सुनो मेरी बात सुनो, सब धोखा खा गए, सब धोखा खा गए, इस बार तो सब धोखा खा गए। पिटोट ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, पिटोट ट्यूब जो होती है, पिटोट ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी
एट एनी पॉइंट। पिटॉट ट्यूब आपकी किसी पॉइंट पे वेलोसिटी मेजर करती है, ना कि स्टैग्नेशन पॉइंट पर। स्टैग्नेशन पॉइंट पे तो बेटा वेलोसिटी ऑलरेडी जीरो होती है, तो क्या मेजर करके देगा? स्टैग्नेशन पॉइंट पे तो बेटा वेलोसिटी ऑलरेडी जीरो होती है, तो क्या मेजर करके देगा? क्या मेजर करके देगा? पिटॉट ट्यूब का सिंपल कॉन्सेप्ट, ये फ्लूड है, यहां से ये दो पॉइंट है बेटा, ये यहां पे है। सो दिस इज योर स्टैग्नेशन पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, दिस इज योर स्टैग्नेशन पॉइंट। अब आप स्टैग्नेशन पॉइंट पे खड़े हैं, तो स्टैग्नेशन पॉइंट के केस में बेटा आप यहां से जस्ट बात करना शुरू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, लेट सपोज दिस इज वन, दिस इज टू, ध्यान रखना, हमने यहां से बोला कि बर्नौली लगा देते हैं, पी वन बाई रो जी प्लस का वी वन स्क्वायर बाई टू जी प्लस का बेटा हमारे पास यहां से आ जाएगा जेड वन, इट इज इक्वल टू, हम यहां से जस्ट बात करते हैं, पी टू डिवाइड बाई रो जी प्लस का वी टू स्क्वायर बाई टू जी और प्लस का हमारे पास आ जाता है जेड टू। समझो, हमने यहां से जस्ट बेटा बोला कि सुनना, अगर हम यहां से कहानी बदलेंगे तो सर V2 तो ऑलरेडी जीरो है, स्टैग्नेशन पॉइंट है, V2 ऑलरेडी जीरो है बेटा, स्टैग्नेशन पॉइंट है, ये खत्म, Z2 Z1 से कोई लेना देना है नहीं, तो P2 आपके पास जो आ जाता है वो कौन सा प्रेशर आ जाता है? स्टैग्नेशन प्रेशर। P2 आपके पास जो आ जाता है वो कौन सा आ जाता है? स्टैग्नेशन प्रेशर। आप यहां से जस्ट देखेंगे P1 बाई रो जी, चलिए पता है, V1 स्क्वायर बाई टू जी, एक्चुअल में हम ये वेलोसिटी निकालना चाह रहे थे, एक्चुअल में हम ये वाली वेलोसिटी निकालना चाह रहे थे, बट ये वाली वेलोसिटी तो ऑप्शन में है ही नहीं कहीं भी, ये वाली वेलोसिटी तो कहीं भी ऑप्शन में है ही नहीं मेरे लाल, और अगर वेलोसिटी ऑप्शन में नहीं है तो स्टैटिक प्रेशर हो गया P1, स्टैटिक प्रेशर हो गया P1, P1 तो नहीं मीजर कर रहे ना, P1 मीजर करता तो क्या करता, हम मैनोमीटर लगा देते, P1 नहीं। डायनेमिक प्रेशर की अगर हम यहां से जस्ट बेटा बात करेंगे तो आपका यहां पे डायनेमिक की तो बात ही नहीं हो रही है, जो P1 बाई रोजी और P2 बाई रोजी दोनों के कौन से हैं? स्टैटिक हेड है, तो ये वाला तो हमसे यहां से बात ही नहीं हो रहा है, ये वाली तो हमसे यहां से बात ही नहीं हो रहा है, तो जो बेस्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है? बी मिल रहा है। समझ गया ना मेरी बात? समझ गए मेरे ख्याल से सारे समझ गए होंगे। सो जो बेस्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है दैट इज बी, ठीक है, आपका यहां से जो बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है दैट इज बी, आप गलती मत करिएगा। So, इसका यहां से 25 का भी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26। हॉट वायर एनीमोमीटर इज यूज टू मीजर, हॉट वायर एनीमोमीटर इज यूज टू मीजर, यस डायनेमिक हेड इज ओके, डायनेमिक हेड इज ओके, बट इट्स नॉट आस्किंग डायनेमिक हेड इज व्हाट, समझो मेरी बात, डायनेमिक हेड इज व्हाट, दिस इज योर डायनेमिक हेड, दिस इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी हेड, काइनेटिक एनर्जी हेड और डायनेमिक हेड, और डायनेमिक हेड है ना, सो दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी हेड और डायनेमिक हेड, बट यू कैन अंडरस्टैंड He is asking about the dynamic pressure, not dynamic head. He is asking about the dynamic pressure, not dynamic head. Huh? So, मेरे ख्याल से Nitish, Nitish, you can understand, huh? So, he is asking the dynamic pressure. So, dynamic pressure will be wrong. अगर वो dynamic head बोलता, then definitely we can say something about that. Hot wire anemometer. Yes, ये रट लेना, बिल्कुल अच्छे से रट लेना. Option आपके पास आ जाएगा. बी आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा 26 का, 26 का बी आ जाएगा, क्लियर है बेटा नीतीश? यस हाँ जी, चलिए ओके, सो दिस इज 26 बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट सॉरी सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द प्रेशर इंटेंसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टर इज एटमोस्फेरिक,
यस बेटा, सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताए। अगर प्रेशर इंटेंसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टाइज बात करें तो एटमॉस्फेरिक, ये तो रॉन्ग है। कॉन्ट्रैक्शन इज लीस्ट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, नो, हाँ ये सही है, कॉन्ट्रैक्शन इज लीस्ट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, दिस इज करेक्ट। स्ट्रीम लाइन्स आर पैरेलल थ्रू आउट द जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, यस, वेना कॉन्ट्रैक्टा पे आपकी जो स्ट्रीम लाइन्स निकलती है वो पैरेलल निकलती है। कॉफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन वन, तो आपका ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जाके, बी ए बन जाएगा। राधे 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 राम कृष्ण राम, यस, तो 27 का ए बनेगा, 27 इज ए, द आंसर ऑफ 27 इज ए। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ट्वेंटी वन ए, रजत शर्मा, तन्मोय, साहिल, रजुल्ला, नितीश, दिव्यांश, बी। बेटा एक चीज बताओ मुझे, यहां से कॉफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा है, आपने ए बोला कॉफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एट ऑफ अ वेंचुरी मीटर, ये हमारे पास वेंचुरी मीटर है, इसमें कहीं कॉफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मिलता है क्या? कॉफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहां मिलता था? जब हमारा ऑरिफिस लगता था, और जब हमारा ऑरिफिस लगता था, अगर कॉफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलता है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता ही नहीं है, इसीलिए इसका कॉफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हम कितना लेके चलते हैं बेटा, वन, ठीक है। तो कॉफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंचुरी मीटर हम लेके चलते हैं वन, करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत मत बताइए। उसने इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। फ्लो नोजल इज चीपर देन द वेंचुरी मीटर, यस। तीन टाइप के डिवाइसेस होते हैं, एक वेंचुरी मीटर होता है, एक ऑरिफिस मीटर होता है, एक नोजल मीटर होता है। सबसे कॉस्टली, सबसे कॉस्टली, सबसे चीपर, सबसे चीपर, और ये मीडियोकर रहता है, मीडियम लॉसेस, मीडियम कॉस्ट रहती है इसकी, मीडियम कॉस्ट। अगर ये कॉस्टली होता है तो सबसे लेस लॉसेस, मिनिमम लॉसेस, इसमें सबसे ज्यादा लॉसेस, इसमें मीडियम लॉसेस। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो फ्लो नोजल इज चीपर देन द वेंचुरी मीटर बट हायर एनर्जी लॉसेस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोला है उसने। नेक्स्ट, डिस्चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ वेंचुरी मीटर वेदर इट इज ओरिजोंटल वर्टिकल, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं। डी सुन रहे हो, डी सुन रहे हो, डाले इसलिए था कि तुम थोड़े से परेशान हो। डी सुन रहे हो, नन ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। अरे डी बोल रहा है कि नहीं, ऊपर कोई सही नहीं है, केवल मैं सही हूं। कैसे सुना, ये कैसे सही हो गया, ऊपर कुछ तो सही है। तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो डी है, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो डी है, दैट नन ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्लियर है बेटा सबको? तो 28 का आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो बेटा आपको डी मिलेगा, 28 का जो आपको ऑप्शन मिलेगा दैट इज डी। कंफ्यूज नहीं? यस, आंसर इज डी, आंसर। अरे उसने बोला ही ऑलरेडी, ही इज आस्किंग, ही इज जस्ट सेइंग नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब तुम ही परमात्मा हो, तुम ही परमात्मा हो, ठीक है। क्वेश्चन खेल गया ना इस बार? हाँ, ऐसे ही खेलते हैं, ऐसे ही खेलते हैं, जरा सी गलती में आप लोग मिस्टेक कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द प्रेशर एट द समिट ऑफ साइफन, द प्रेशर एट द समिट ऑफ साइफन, ट्वेंटी नाइन्थ बी,
यस ऑब्वियसली, जब आप यहां से साइफन लगा के चलते हैं तो समिट पे हमारा जो प्रेशर आता है वो लोअर देन द एटमोसफेयर कहा जाता है, लोअर देन द एटमोसफेयर कहा जाता है, सो लेस देन एटमोसफेयर। 29 का बेटा आपके पास आंसर जो आएगा वो भी आएगा, नो डाउट इसमें कोई गलती नहीं है। सो प्रेशर एट द समिट ऑफ साइफन यू विल सिंपली सी, यस द आंसर इज बी, सो 29B। 29B AY बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन्स रिप्रेजेंट, दो स्ट्रीम लाइन के बीच में AY क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AY बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन्स रिप्रेजेंट, दिस इज वन दिस इज टू। यस बेटा बी 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 30th बी डिस्चार्ज प्रेजेंट, यस डिस, यहां से जब भी स्पेस बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन की बात करते हो तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, ठीक है, यहां से जस्ट डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्रीम फंक्शन ऑलवेज गिव्स डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, ठीक है, ये आपको डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ देता है, गुड करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन आपके पास जो आ गया वो ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट इज 31 द मेजर लॉस ऑफ एनर्जी इन लॉन्ग पाइप इज ड्यू टू, मेजर लॉस ऑफ एनर्जी इन लॉन्ग पाइप इज ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, सडन कॉन्ट्रैक्शन, ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन और एनलार्जमेंट, फ्रिक्शन। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार एकदम से। 31 का डी नो ऑप्शन, एक ही मेजर लॉस होता है दैट इज फ्रिक्शनल लॉसेस, बाकी सारे के सारे क्या है माइनर लॉसेस, ठीक है, बाकी सारे के सारे क्या है माइनर लॉसेस। सो दिस इज 31। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 32 पे, द स्पीड ऑफ अ प्रेशर वेव थ्रू अ पाइप डिपेंड्स ऑन, द स्पीड ऑफ द पाइप थ्रू अ प्रेशर वेव डिपेंड ऑन, यस ऑल द अबव थ्री आर माइनर, बाकी केवल फ्रिक्शन जो है वो आपका मेजर है, ग्रेजुअल ग्रेजुअल में उतना ज्यादा लॉस नहीं आता है, कोई हम लॉस कंसीडर नहीं करते, बट वी कैन से इट इज अ माइनर लॉस। 32 का बी, 32 का सी, 32B, 32C, 32B, 32C, सो यस सी 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 सी, ऑब्वियसली जब आप यहां से जस्ट बात करते हैं स्पीड ऑफ प्रेशर वेव तो आप यहां से बोलते हैं कि सी स्पीड ऑफ प्रेशर वेव इज नथिंग, इट इज अंडर रूट के बाई रो, और ये डिपेंड करती है विस्कोसिटी पे, तो डिपेंड नहीं करती, लेंथ ऑफ पाइप पे डिपेंड नहीं करती है, विस्कोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, ओरिजिनल हेड पे डिपेंड नहीं करती, केवल केवल बल्क मॉडुलस पे डिपेंड करती है, केवल केवल बल्क मॉडुलस पे डिपेंड करती है। सो 32 द आंसर इज कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, सी, 32 का आंसर आपके पास आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, 32 का आंसर आपके पास सी आ जाएगा, ठीक है सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन द टाइम ऑफ क्लोजर टीसी इज इक्वल टू एल बाय वी नॉट, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द पाइप एंड वी नॉट इज द स्पीड ऑफ द प्रेशर वेव, द पोर्शन ऑफ द पाइप लेंथ सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम हेड इज, कहीं पे अगर आपने पढ़ा टाइम ऑफ क्लोजर की बात कर रहे हैं, टाइम ऑफ क्लोजर की बेटा बात कर रहे हैं, यस बी, रोशन कुमार बता रहे हैं बी,
चलो मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। ये हैमर ब्लो का क्वेश्चन है, और हैमर ब्लो में बेटा जब भी आप यहां से जब बात करते हैं प्रेशर वेव की, यहां से जैसे ही क्लोज करते हैं तो क्लोज करने पे आपका यहां पे प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर जनरेट होता है तो प्रेशर वेव एकदम से इधर तेजी से आना शुरू होती है, और जिस स्पीड से फ्लूड लौटता है ना उससे तेजी की स्पीड से आपकी प्रेशर वेव आती है, और उस टाइम पे आप जो फ्लूड है जो पाइप है उसको थोड़ा सा ऐसा फील करते हैं, ये पाइप जो है उसको थोड़ा सा ऐसा फील करते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, साउंड वेलोसिटी, यस साउंड वेलोसिटी, उसी को बेटा हम यहां से जस्ट उसी के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग जो यहां से बात कर रहे हैं प्रेशर वेव की, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, अंडर रूट का के बाई रो जो है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सो द आंसर जो आएगा ये एल बाई फोर पे आता है, दिस इज फॉर एल बाई फोर, आई टीच यू, है ना, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, मैं पढ़ाऊंगा जब टाइम आएगा, तो ये आपको हैमर ब्लो में मिलेगा ये टॉपिक, ठीक है। सो दिस आंसर इज ए नॉट बी, है ना, आपने पढ़ा होगा, अगर कहीं पढ़ रखा है तो ओके है, नहीं पढ़ रखा है तो आप यहां से जस्ट साहिल राज बी नहीं, बी नहीं बेटा, बी नहीं, द आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पूछा है उसने, यस, तो उसने यहां से जस्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है, आप समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, लोअर क्रिटिकल नंबर इज नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस इन द पाइप फ्लो प्रॉब्लम, ठीक है। उसने बोला कि इसका कोई भी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है इन द पाइप फ्लो प्रॉब्लम, मतलब ये तो गलत है, सही है, होता है, मतलब प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, उसने यहां से बोल दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। अपर क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर इज सिग्निफिकेंट इन द पाइप फ्लो प्रॉब्लम्स, ये भी सही है, अगर हमारा पाइप फ्लो की प्रॉब्लम है उसमें अपर क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर होगा तो ऑब्वियसली एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी उसकी, कुछ ना कुछ, अपर क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर की बात कर रहे हैं तो हम, अच्छा क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर होता कितना है हमें अच्छे से पता समझिएगा, 2000 हम लेके चलते हैं कि हमारा अगर फ्लो लेमिनार से टर्बुलेंट में चेंज होगा, तो लोअर क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर, यहां से अगर हम जस्ट बात करें लोअर क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर हैज द वैल्यू, यहां से कितनी होती है बेटा, उसने यहां से बोला 2000 के ऊपर जाओगे तो आपका फ्लो ट्रांजिएंट में चेंज होना शुरू हो जाएगा, अप टू 2000। अपर क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर इज द नंबर एट विच द टर्बुलेंट फ्लो चेंजेस टू लेमिनार फ्लो, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये इसने यहां से बोल दिया कि इस सिग्निफिकेंट इन द पाइप, ये वाला तो हमें बिल्कुल सही है, पता है हमें ये वाला सही है, ये वाला बताओ, अच्छा मुझे अपर क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर इज सिग्निफिकेंट इन द पाइप फ्लो प्रॉब्लम्स, अपर क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर की अगर हम बात करेंगे मतलब हमारे पास 2500 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, तो वो सिग्निफिकेंट रहेगा क्या पाइप फ्लो प्रॉब्लम्स में? यस 2300 इज ओके, 2300 जो हम लेके चलते हैं जनरली, जो हम लेके चलते हैं वो 2000 लेके चलते हैं, 2300 इज द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास यहां से देखो ये स्टेटमेंट जो है वो उसने यहां से बोला नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, ऐसा कैसे बोल सकते हो आप, ऐसा कैसे बोल सकते हो, उसने यहां पर नो लगा दिया इसलिए गलत हो गया, ठीक है। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस आपका होता है, अपर क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर इज सिग्निफिकेंट, ऑब्वियसली उसने बोला कि सिग्निफिकेंट होता है इन द पाइप फ्लो प्रॉब्लम, तो पाइप फ्लो प्रॉब्लम में हम जब लेके चलते हैं बेटा तो जनरली अगर हम लेमिनार के लिए लेके चल रहे तो ओके है, लेमिनार के लिए लेके चल रहे हैं तो ओके है, अदरवाइज पाइप में अगर अपर क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर दे रखा है तो ऑब्वियसली हमें उसकी वैल्यू दिखती है और सिग्निफिकेंट दिखता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, बी सी दोनों सही है, नो सिग्निफिकेंट, नो सिग्निफिकेंट, अच्छा नो लिखा है क्या, कहां पर लिखा, कहां लिखा, कहां लिखा, लेटेस्ट 12 बोल रहे हैं,
सर नो सिग्निफिकेंस होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? नो सिग्निफिकेंस होता है। पाइप फ्लो की प्रॉब्लम में अगर क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर बहुत ज्यादा है, रेनॉल्ड नंबर बहुत ज्यादा है, तो क्या उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है? यस होता है, ऑब्वियसली हम देखते हैं कि फ्लो आपका लेमिनार से टर्बुलेंट में चेंज होना शुरू हो जाता है। नो सिग्निफिकेंस अगर लिखा होता तो बिल्कुल सही था, फिर तो कोई इश्यू ही नहीं था। अपर क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर इज सिग्निफिकेंट इन द पाइप फ्लो प्रॉब्लम। ओनली सी इज करेक्ट, लेटेस्ट 12 इज सेइंग ओनली सी इज करेक्ट। सो मैं रुका हूं इस क्वेश्चन पे, व्हाट आई वांट टू से कि अगर आप पाइप में बेटा बात करोगे, आप यहां से पाइप में बात करोगे, तो पाइप में यहां से जस्ट हमारे पास ये कोई भी फ्लूड है और ये यहां से फ्लो कर रहा है। लेट सपोज ये पाइप में हमारा फ्लूड फ्लो कर रहा है, तो उसने यहां से बोला कि अपर क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर इज सिग्निफिकेंट इन द पाइप। आप बोल रहे हैं कि सर कोई भी सिग्निफिकेंस होता नहीं है, ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारा रेनॉल्ड नंबर का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होगा? हम फ्लो कैसे डिसाइड करेंगे, फ्लो कैसे डिसाइड करेंगे वो मुझे बता दो। यस, जस्ट इट्स अ टर्बुलेंट। यस, अभी देखो बच्चे ने बिल्कुल सही बताया। सर लेमिनार हम 2000 तक जस्ट बात करते हैं, हम यहां पे जब बात करते हैं कि सर हमारा लेमिनार जो है वो हमने यहां से 2000 तक बात कर ली, लेकिन 2000 के ऊपर तो पूरा का पूरा टर्बुलेंट ही है ना, और अगर पूरा का पूरा टर्बुलेंट है तो हमें क्या लेना देना है, क्या लेना देना है? फिर वो टर्बुलेंट में रफ जा रहा है, स्मूथ जा रहा है, व्हाटएवर जो भी जा रहा है, तो हमारा क्या लेना देना है? इसलिए हम इसको नहीं लेके चलते, समझ गए? क्लियर। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है बेटा कौन सा आ रहा है? सी। सी हमारे कौन सा क्वेश्चन है? 34 का बेटा जो ऑप्शन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? सी आ रहा है। सो मैं जानना चाह रहा था कि यस बिल्कुल क्लियर है या नहीं। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग यहां से बात करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 35। द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ फ्लूइड फ्लोइंग इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स बोथ एट रेस्ट। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन उसने यहां से पूछा है of a fluid flowing in parallel plates both at rest, constant over the cross section, parabolic distribution across the cross section, zero at the midpoint and varies linearly with the distance from the midplane, zero at plate and increase linearly with midpoint. This is question number 35. Mohammad Razullah answer diye hain D, baki log bataye. सी, यस। जब भी आप यहां से बेटा बात करेंगे तो शियर स्ट्रेस यही तो मिलता है, सबसे ज्यादा आपको कहां पे मिलता है? वॉल पे मिलता है, फिर धीरे धीरे घटता जाता है, और सबसे मिनिमम कहां मिलता है? सेंटर लाइन पे। सेंटर लाइन पे आपका शियर स्ट्रेस कितना होता है? जीरो। यहां पे कितना टाउ ऑफ द वॉल, यहां पे कितना टाउ ऑफ द वॉल, ठीक है? तो आपका जो ऑप्शन बनेगा जाके वो कौन सा बनेगा बेटा? सी ऑप्शन। 35 का आपके पास जो ऑप्शन बनेगा दैट इज सी, ठीक है? चलो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36। मेरे ख्याल से ये देखते ही लगा दोगे, इसको देखते ही गोली मार देना है ना, इसको देखते ही गोली मार देना। दिस इज इफ एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज देन द बाउंड्री लेयर थिकनेस इन द लेमिनार फ्लो वेरीज एस। ए करेक्ट। कोई गलती के चांसेस नहीं है इसमें। इसमें अगर गलती कर दो तो मर जाना है ना, मतलब एकदम से डूब जाना, नाक रगड़ देना जाके कहीं पे भी कि सर इसमें गलती नहीं हो सकती। सो दिस इज योर 36। 36 का ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। ये अभी आप छोड़ दो, ये मैं आपको बिल्कुल कहीं पे भी नहीं पढ़ाऊंगा और आपने पढ़ा भी नहीं होगा, तो इसको अभी लीव कर दो। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, ठीक है?
आपने कहीं पे देखा नहीं होगा तो जस्ट मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप देखेंगे तो दैट विल बी मच बेटर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 38। द डेप्थ डी बिलो द फ्री सरफेस एट विच द पॉइंट वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लो फॉर यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो विद अ फ्री सरफेस विल बी। यस बेटा, डी 38 का सी, 38 का सी मतलब नहीं आया। सुनो मेरी बात, यहां से जस्ट क्वेश्चन को पहले पढ़ लो और उसके बाद ये चीज बताना। जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन किसी को नहीं पता होगा, रीजन है उसने यहां से बोला है ये ओपन चैनल फ्लो का क्वेश्चन। देखो सुनो, द डेप्थ डी बिलो द फ्री सरफेस एट विच द पॉइंट वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। यहां से ये आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है, और फ्री सरफेस दे रखा है। ये आपका यहां से कोई कैनाल है जिसमें आपका लेट सपोज फ्री सरफेस दे रखा है, वो फ्री सरफेस की बात कर रहा है। और अगर फ्री सरफेस दे रखा है तो उसने यहां से जस्ट बोला है एट विच द पॉइंट वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी, पॉइंट वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी फॉर अ यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो विद अ फ्री सरफेस उसने बोला है। यहां से फ्री सरफेस के साथ उसने जस्ट बोला यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो, समझ रहे हो। तो 38 का डी बेटा जिन्होंने दिया है वो पाइप का देके गए, समझो, वो लेमिनार फ्लो इन द पाइप का दिया है। जितने लोगों ने 38 का डी दिया है वो पाइप का लेमिनार फ्लो दिया है, बल्कि ये जो दे रहा है वो ओपन चैनल फ्लो की बात कर रहा है। एक ट्रॉ है, एक नहर है, उसमें फ्लो हो रहा है, वो उसकी बात कर रहा है, समझ रहे हैं। तो मिस्टेक हुई है आपसे, ये मिस्टेक हुई है बेटा। आप यहां से जस्ट देखिए 38 का, बस आप याद रखिएगा बाई चांस अगर आपको कंफ्यूज कर दे, ठीक है। बाकी जितने सिविल वाले हैं उनको पता होगा, यस, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 38 का जो आंसर आएगा दैट विल बी बी, नॉट, ये ओपन चैनल फ्लो का क्वेश्चन है, गलती मत करिएगा। मैंने डाले इसलिए था कि जैसे ही देखते हैं वैसे तुरंत कुछ ना लेमिनार वाला लगा देंगे, टर्बुलेंट वाला लगा देंगे, कुछ ना कुछ तो लगा ही देंगे ना, ठीक है। टर्बुलेंट वाला होता तो ये 0.223 डी बन जाता, अगर ये लेमिनार वाला होता तो 0.707 बन जाता। Not in syllabus, yes, कह सकते हो कि मैकेनिकल वालों को बहुत इसमें मतलब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, सिविल वालों के सिलेबस में आ जाता है, सिलेबस सिविल वालों को ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो अगर आप चाहो तो इसको लीव कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इश्यू। जैसे पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो वायर्स का क्वेश्चन था, नोचेस एंड वायर्स जब हम यहां से पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग यहां से बात करते हैं, या हम लोग यहां से जस्ट बात करते हैं कि हमारे ऑरिफिसेस माउथ पीसेस की बात करते हैं, वहां पे बात करते हैं। इस वजह से मैंने अभी इसको लीव कर दिया, बिकॉज जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। Next is 39. The boundary layer thickness in the turbulent flow varies as, एक और ऑप्शन दे देता हूं इसमें 4/5, यस 0.8। तो टर्बुलेंट फ्लो के केस में आपने देखा होगा कि जो बाउंड्री लेयर थिकनेस आती है वो कितनी आती है 0.378, और यहां से बेटा आ जाता है x डिवाइडेड बाय, यहां से re रेस टू दी पावर कितना आता है 1/5 आ जाता है। तो x टू दी पावर 1 - 1/5 आता है, x टू दी पावर 1 - 1/5 आता है। अगर आप लॉसेस इक्वेशंस आपको याद हो
तो ये बेटा आपके पास 5-1 एक्स टू दी पावर 4/5 और ये आपके पास एक्स टू दी पावर 0.8 बनता है। अब तो खैर सब बता देंगे, अब तो जब सर ने किया है तो कुछ ना कुछ तो सोच के किया होगा कि एक ऑप्शन बढ़ा देते, है ना। अब शुरू में देते तो फिर कुछ बात बाहर कहानी बनती, अब तो कुछ कहानी है ही नहीं, अब तो याद आई गए। तो इन केस ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो बाउंड्री लेयर जो आपकी वेरी करती है वो 4/5 से वेरी करती है, ठीक है बेटा। चलो सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40। द डिस्टेंस y फ्रॉम द पाइप बाउंड्री एट विच द पॉइंट वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी फॉर टर्बुलेंट फ्लो इज, फॉर टर्बुलेंट फ्लो इज, ए अभी अभी तो बताया था, अभी अभी तो बताया था 0.222 आर आता है यहां से, यही आता है, और 0.111 यहां से कितना आ जाता है, 111 यहां से आ जाता है डी, डी इज इक्वल टू बेटा हमारे पास कितना आ जाता है 2R। इसके केस में लेमिनार के केस में पॉइंट का 707R या पॉइंट का 354D आ जाता है, करेक्ट, करेक्ट है, अभी अभी जस्ट बताया था। सो 40 का जो ऑप्शन बनेगा जाके बेटा वो ए बनेगा, 40 का जो ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा। आप आराम से चेक करिए और आराम से सॉल्व करिए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 40 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 41। This is again you can say for civil. When an ideal fluid flows past a sphere, highest intensity of pressure occurs around the circumference at right angles to the flow. Lowest pressure intensity occurs at the front stagnation point and lowest pressure intensity occurs at the rear stagnation point. अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये आपका फ्लो है, यहां से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। Yes, तो मेरे ख्याल से समझ आ गए होंगे। आपसे पूछ रहा है लोएस्ट प्रेशर इंटेंसिटी अकर्स एट रियर और फ्रंट, टोटल ड्रैग पूछ रहा है, हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर अकर्स एट द सर्कमफ्रेंस, तो व्हेन द आइडियल फ्लूइड फ्लो पास्ट अ स्फीयर, 41 का सी, यस करेक्ट। सो आप यहां से जस्ट देख सकते हैं, मेरे ख्याल से सब लोगों ने कर लिया, बहुत बड़ा डाउट नहीं है, सबका हो गया। चलो so next is question number 42. With the same cross sectional area and immersed in the same turbulent flow, the largest total drag will be on, largest total drag will be on a circular disc of plate held normal to the flow, a sphere, cylinder, streamlined body। ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप सोचोगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। यस, तुषार रस्तोगी ने आंसर दिया है, गुड, ए ए ए ए बी 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 रसुल्ला ने दिया फॉर्म ड्रैग। यस ऑब्वियसली, देखो सुनो सुनो, यहां से जस्ट बोला है कि एक सर्कुलर प्लेट और हेल्ड नॉर्मल टू द फ्लो, सर्कुलर प्लेट है नॉर्मल टू द फ्लो, यहां से लग रहा है, तो इस पे फ्लूड सीधा सीधा अटैक कर रहा है,
इस पर फ्लूड सीधा अटैक कर रहा है, स्फीयर होगा तो स्फीयर पे बेटा फ्लूड आपका ऐसे अटैक करेगा, मिनिमम अटैक आपको यहां पे दिखेगा। सिलेंडर भी रख लोगे तो सिलेंडर पे भी कैसा अटैक होगा बेटा, यहां से जस्ट देखोगे कुछ अटैक इस साइड होगा, कुछ अटैक इस साइड होगा। स्ट्रीमलाइन बॉडी को तो बात ही छोड़ दो, उसको हम बना ही इसलिए रहे मिनिमम ड्रैग मिले। स्ट्रीमलाइन बॉडी को तो हमने यहां से बनाई इसलिए मसली, ठीक है, तो हमें यहां से ना तो जस्ट बात कर, लार्जेस्ट ड्रैग की बात कर रहा है तो लार्जेस्ट ड्रैग हम मतलब किस पे गए, सर्कुलर डिस्क ऑफ हैंड, यस फ्रंटल एरिया इज ओके, समझ गए। तो मेरे ख्याल से सबने कर लिया ये और सबको समझ में आया भी होगा। सो दिस इज 42, दिस इज 42 एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43। फॉर हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ बाउंड्री द फ्रिक्शन कोफिशियंट फॉर टर्बुलेंट फ्लो इज, स्मूथ बाउंड्री की बात कर रहे हैं, हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ बाउंड्री 43, क्वेश्चन नंबर 43। बेटा एक मेरे ख्याल से आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर हम यहां से जस्ट बात करें कि मेरे पास फॉर्मूला आता है, अगर आप फ्रिक्शन फैक्टर की बात करेंगे तो एक फॉर्मूला आता है 1/√f, इट इज इक्वल टू 2 log base 10, और ये आ जाता है आपके पास R/K और प्लस का आ जाता है 1.74। ये कब के लिए होता है, जब रफ बाउंड्री होती है, जब रफ बाउंड्री होती है, और स्मूथ बाउंड्री के लिए आपके पास आ जाता है 0.332 प्लस कुछ ऐसे आता है पॉइंट का 221 डिवाइडेड बाई RE^2 0.232, कुछ इस टाइप से निकल के आता है, मैं एग्जैक्ट फॉर्मूला तो मुझे याद नहीं है। ये आपके पास F की वैल्यू आती है, F की वैल्यू आती है जब आप यहां से रखना शुरू करते हैं। तो जब स्मूथ बाउंड्री होती है तो फ्रिक्शन फैक्टर इज एग्जैक्टली अ फंक्शन ऑफ ओनली रेनॉल्ड नंबर, और रफ बाउंड्री आती है तो फ्रिक्शन फैक्टर आपका फंक्शन किसका होता है बेटा, एवरेज हाइट ऑफ द सर्फेस रफनेस। अगर आपसे बात करें इन केस ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो फ्रिक्शन फैक्टर इज अ फंक्शन ऑफ, तो दोनों का। स्मूथ बाउंड्री की बात करेगा तो केवल रेनॉल्ड नंबर का, और रफ बाउंड्री की बात करेगा तो आप किससे किसकी बात करेगा, के की बात करेगा। सो दस जब ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन आपके पास किसका बनेगा, डिपेंडेंट ओनली ऑन रेनॉल्ड नंबर, और मेरे ख्याल से काफी लोगों ने सही दिया है। सो द आंसर विल बी बी, ये जो आंसर बनेगा 43 का बेटा, जो आंसर बनेगा दैट इज बी, आप गलती मत करिएगा 43 के आंसर में, आप गलती मत करिएगा, आंसर विल बी बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लेमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर ट्यूब, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लेमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर ट्यूब इज कॉन्स्टेंट ओवर द क्रॉस सेक्शन, वैरीज लीनियरली फ्रॉम जीरो एट वॉस टू मैक्सिमम एट सेंटर, varies parabolically with maximum at the center, none of the above। लेमिनार फ्लो थ्रू अ पाइप की बात कर रहा है, यस 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 यस, ये सर क्या पूछ दिया, ये सर क्या पूछ दिया, ये तो बेइज्जती हो गई, ये आ गया पैराबोलिकली वेरी करता है, यस बटे तो यस पैराबोलिकली वेरी करता है, मैक्सिमम एट द सेंटर की बात करता है, गुड सबको पता है, गुड। अगला क्वेश्चन देखो फिर, फॉर अ लेमिनार फ्लो इन अ पाइप सर्कुलर क्रॉस सेक्शन द डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर एफ इज, फॉर लेमिनार फ्लो इन अ पाइप सर्कुलर क्रॉस सेक्शन द डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर इज, यस बताएं 45 बताएं 45 सी बता रहे हैं,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेनॉल्ड नंबर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाइप वॉल रफनेस. 45C. यस बेटा, तो ऑब्वियसली आप यहां से देख सकते हैं भैया एफ एस इक्वल टू 64/RE होता है, किसी से लेना देना है ही नहीं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड नंबर हो जाएगा. ऑप्शन आपके पास कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन आपके पास कौन सा आ जाएगा, 45C. ऑप्शन आपके पास कौन सा आ जाएगा, 45C. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं. नेक्स्ट इज 46. सेपरेशन ऑफ द फ्लो अकर्स. नेक्स्ट इज 46. सेपरेशन ऑफ द फ्लो अकर्स व्हेन प्रेशर इंटेंसिटी रीचेस अ मिनिमम, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द चैनल इज रिड्यूस्ड, बाउंड्री लेयर कम्स टू रेस्ट, ऑल ऑफ द अबव. यस, 46 का डी दे रहे हैं कुछ लोग, कुछ लोग ए दे रहे हैं. देखो यार सिंपल है, अगर आप सेपरेशन देखना चाहोगे तो ये रहा, आपके पास कुछ नहीं है, ये फ्लूड आ रहा है, कोई सा भी फ्लूड पार्टिकल आ रहा है, ये फ्लूड पार्टिकल यहां से जब जा रहा है तो ढलान पे जा रहा है, यहां पे इसके पास मिनिमम मैक्सिमम वेलोसिटी होगी विद मिनिमम प्रेशर. ठीक है, फिर इसके बाद हमने यहां से बोला यहां पे जाता जाएगा इट मे बी कि इसका मोमेंटम जो है वो सपोर्ट ना करे, और मोमेंटम जब सपोर्ट ना करेगा तो यहां से ये क्या करेगा, रिटर्न आना शुरू हो जाएगा. ठीक है, रिटर्न आना शुरू हो जाएगा. अब ये रिटर्न की कंडीशन बेटा क्या बनती है हमारे पास, हमने यहां से जस्ट बोला, उसने क्या क्या बोला है, उसने यहां से बोला कि द प्रेशर इंटेंसिटी रीचेस टू मिनिमम. ये तो नहीं हो सकता यार, प्रेशर इंटेंसिटी आपकी मिनिमम कैसे हो गई, जितने लोगों ने ए यहां से बताया है या जिन लोगों ने डी बताया है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द चैनल इज रिड्यूस्ड, नहीं फिर सेपरेशन क्यों होगा, क्रॉस सेक्शन अगर रिड्यूस हो रहा है तो सेपरेशन ही क्यों होगा यार, सेपरेशन क्यों होगा, सेपरेशन तो आपका यहां से क्रॉस सेक्शन बढ़ता जाता है, फिर यहां से प्रेशर बढ़ता जाता है, और जब प्रेशर बढ़ता जाता है तब मॉलिक्यूल यहां से वापस आना शुरू होते हैं. सिंपल सा फंडा है. मतलब आपकी जो बाउंड्री लेयर है, आप देखो ना, आपकी बाउंड्री लेयर ऐसे बन रही थी, यहां की जीरो वेलोसिटी, यहां की थोड़ी सी ज्यादा वेलोसिटी, थोड़ी सी ज्यादा वेलोसिटी, और ये कहानी जैसे ही ऐसे आ जाती है इस लेयर की वेलोसिटी भी जीरो मिल जाती है, और वैसे ही हम बोल देते हैं कि अब सेपरेशन होने वाला है, और जैसे ही आपकी यहां से बाउंड्री लेयर यहां पर जैसे ही रेस्ट में आई वैसे ही आपका यहां से सेपरेशन होना, और ये सेपरेशन हो जाता है, ये आपका सेपरेशन हो जाता है वैसे यहां पे ये वाला. अब यहां से वेना कॉन्ट्रैक्टर की देख लेते हैं, बच्चे का क्वेश्चन है कि सर अगर वेना कॉन्ट्रैक्टा हुआ तो वेना कॉन्ट्रैक्टा में आप सेपरेशन की बात कहां करते हैं, आप ये लो, आपके पास यहां से ये वेना कॉन्ट्रैक्टा सेक्शन हुआ, आपके पास अगर यहां से वेना कॉन्ट्रैक्टा सेक्शन हुआ तब भी तो हमारा यहां से ये फ्लूड निकल रहा है, सेपरेशन कहां हुआ, यहां पर सेपरेशन कहां पर हुआ, ये तो हम यहां पर डिस्चार्ज मेजर कर रहे हैं, इसकी जस्ट बात कर रहे हैं. रोशन कुमार समझ रहे, तो जब भी आपका सेपरेशन की बात करता है तो सेपरेशन में एक्चुअल में हमें बेटा जब भी हम बात करते समझना प्रेशर इंटेंसिटी रीचेस टू मिनिमम. यहां पे प्रेशर इंटेंसिटी चलो हमने यहां से बोला मिनिमम हो गया, बट सेपरेशन थोड़ा ना हो रहा है यहां पे. यहां पे जस्ट बात कर, क्रॉस सेक्शन ऑफ द चैनल इज रिड्यूस्ड. यस, क्रॉस सेक्शन ऑफ द चैनल रिड्यूस होगा, ये लीजिए मैंने यहां से रिड्यूस कर दिया, जब रिड्यूस करेंगे तब तो फ्लूड जोश में होगा ना, आप साइकिल चढ़ाओ ना, आप साइकिल चलाओ, आप एक चढ़ाई से नीचे जा रहे हो, नीचे जाते जा रहे हो, जब ढलान है तब आप तो मजे कर रहे होगे ना, आप ऐसे चलाते जाओ चढ़ाई पे जा रहे हो तब कहीं आपकी साइकिल पलटती है, जब आपका मोमेंटम सपोर्ट नहीं करता है, मोमेंटम आपका सपोर्ट नहीं करता है, तो सेपरेशन आपका इस रीजन में आता जाके जहां पर पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट मिलते हैं, ध्यान रखना नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट में कभी सेपरेशन मिलता ही नहीं, ये प्रेशर आपका घटता जा रहा तब तक तो मिलेगा ही नहीं, प्रेशर आपका बढ़ता जाएगा तब आपको यहां से जस्ट मिलेगा, इनको बोलते हैं एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट. समझ पा रहे, तो यहां पे जब हमें बेटा कहानी मिलती है कि सेपरेशन कब होगा,
तो एग्जैक्टली यहां पे सेपरेशन होना शुरू हो जाता है कि सर हमारी बाउंड्री लेयर जो है वो एग्जैक्टली ये वाली कहानी चाहिए होती हमेशा ये वाली, लेकिन अगर ये कहानी यहां से चेंज हो गए ऐसे आ गई यहां से ये जीरो कर दिया तो कहानी बदल गई। तो बाउंड्री लेयर आपकी यहां से किस पे आ गई बेटा, रेस पे आ गई। रेस पे आ गई तो मतलब आपका फ्लूड जो है उल्टा जाना शुरू कर देगा फिर, समझ गए? तो गलती मत करिएगा। ऑल ऑफ द अबव तो पॉसिबल नहीं है। प्रेशर इंटेंसिटी रीचेस टू मिनिमम की बात नहीं कर रहे, प्रेशर को जब मोमेंटम सपोर्ट नहीं करता है तो हम उसकी बात करते हैं, ठीक है? चलो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन जाएगा वो बाउंड्री लेयर कम्स टू इन रेस की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47, जल्दी से कर लीजिए, 50 क्वेश्चन है टोटल। द रेशियो ऑफ द एवरेज वेलोसिटी टू द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर स्टेडी लेमिनार फ्लो इन अ सर्कुलर पाइप इज, ओहो ये तो मेरे ख्याल से यस हाँ फ्लो रिवर्सल की बात करते हैं, ऑब्वियसली फ्लो रिवर्सल की बात करते हैं, सेपरेशन का मतलब ये फ्लो रिवर्सल की बात कर रहे हैं। यहां से उसने बोला द रेशियो ऑफ द एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द स्टेडी लेमिनार फ्लो, ये क्वेश्चन देख के ही आंख बंद करके इसको गोली मार देना तुरंत, ससुरा हमारे सामने कैसे आ गया, जल्दी से। यस एवरेज टू मैक्सिमम बात कर रहा है और हमें पता है कि मैक्सिमम टू टाइम्स होता है तो ये 1/2 आ गया, करेक्ट। ये वाला तो कोई गलती नहीं करेगा, कम से कम इसको तो नहीं करेंगे, ठीक है? एवरेज टू मैक्सिमम की बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं 48। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं 48। The distance from the pipe boundary at which the turbulent shear stress is 1/3 of the wall shear stress. किस डिस्टेंस पे आपका turbulent shear stress जो होता है, turbulent shear stress is 1/3 of the wall shear stress. ये पाइप बाउंड्री से पूछ रहा है यहां से कितनी डिस्टेंस पे आपका जो टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस होता है वो वॉल शियर स्ट्रेस का 1/3 हो जाता है। 1/3 बोला है ना, 1/3 ऑफ वॉल शियर स्ट्रेस। बताओ, तो ऑप्शन यहां से आपको मिल जाएंगे, ये ध्यान रखना दिस इज आर, ठीक है? ये ध्यान रखना दिस इज आर। यस चलो, शायद आपने नहीं पढ़ा, मैं बता देता हूं, बाकी आप जब पढ़ाऊंगा तब उसमें देखिएगा। सो द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नहीं, 1/2 आर पे नहीं मिलेगा बेटा, 1/2 आर पे नहीं मिलेगा। 1/2 पे आपका शियर स्ट्रेस जो है वो एक्चुअल में ये मैक्सिमम होता है और यहां से घटता है। सुनो ना, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, अगर आप शियर स्ट्रेस का वेरिएशन देखोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा ना, ठीक है? ऐसा मिलेगा ऑन एन एवरेज, इन जनरल की बात करें। लेटेस्ट देखो, सुनो, एक काम करो तुम, एक अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो दो में से एक बुक लगा जाओ, अगर एचपीसीएल लगाना है ना, एचपीसीएल निकालना तो दो बुक लगा जाओ, एक या तो खुरमी लगा जाओ और दूसरी आपकी जैन आती है, इनमें से एक बुक तो लगा ही जाओ कम से कम, बिकॉज बहुत बेसिक क्वेश्चन आने वाले और फिर हम एकदम से रह जाते हैं, है ना? तो गलती मत करना और गलती के चांसेस नहीं होंगे, ध्यान रखना गलती के चांसेस नहीं होंगे। गलती का मतलब ये है कि आप आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन है, क्योंकि आपका कट ऑफ बहुत लंबा जाने वाला है, सारे लोग एकदम से भरे बैठे हैं, सबको पेपर देना है, ठीक है बेटा? सो चलो मैं इसको बताऊंगा, ठीक है? सो आप यहां से शियर स्ट्रेस के देख सकते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 49। द डिस्चार्ज ऑफ अ लिक्विड ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी 4 cm² per second थ्रू अ 8 cm डायमीटर पाइप इज 3200 cm³/s, द टाइप ऑफ फ्लो इज एक्सपेक्टेड।
टाइप ऑफ फ्लूड एक्सपेक्टेड इज? यस बेटा, यस आर ही निकालना पड़ेगा, बस आपको आर ही निकालना। काइनामेटिक विस्कोसिटी आपको न्यू दे रखा है, 4 cm² per second फोर दे रखा है, थ्रू 8 cm डाया पाइप, डाया आपको 8 दे रखा है, ठीक है। और उसने यहां से जस्ट बोला है 8 cm डाया पाइप, उसने क्या बोला है द डिस्चार्ज क्यू दे रखा है, क्यू इज इक्वल टू कितना 3200 है ना। तो अगर आप यहां से जस्ट बात करेंगे तो Q इज इक्वल टू कितना होगा एरिया इंटू वेलोसिटी, तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा Q बाई A। अगर आप यहां से जस्ट देखेंगे तो 3200 cm³/s डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया कितना आ जाएगा पाई बाई 4 इंटू डाया का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू हमारे पास बस हो गया पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। तो आप यहां से जस्ट निकाल पाएंगे आर ई, आर ई निकाल पाएंगे। और अगर आर ई की जस्ट बात करेंगे तो आर ई यहां से जस्ट बोलेंगे आर ई इज इक्वल टू रो यहां से वी इंटू डी डिवाइड बाई न्यू हो गया। न्यू आपको पता है टर्बुलेंट आ रहा है, बताओ जल्दी से टर्बुलेंट आ रहा है, लेमिनार आ रहा है, वी डी बाई न्यू आएगा, बस हो गया काम। यहीं से सारी की सारी वैल्यूज रख दो, ये बेटा 3200 है, डाया 8 cm है, डिवाइड बाई पाई बाई 4 यहां से पाई बाई 4 इंटू में 8 का स्क्वायर और इंटू 4 cm² per second सॉल्व कर लो इसको। लेमिनार आ रहा, टर्बुलेंट आ रहा, मेरे ख्याल से ये आपके पास डी से डी फिनिश, 4 से 4 फिनिश, तो बेटा 3200 डिवाइडेड बाई 8 पाई आ रहा, टर्बुलेंट कैसे आ रहा है, 3200 डिवाइड बाई 8 पाई आ रहा, टर्बुलेंट कैसे आ रहा है, देखो ना मैं तो यहीं पे सामने ही देख पा रहा हूं। मेरे ख्याल से 3200 डिवाइड बाई 8 पाई करोगे तो टर्बुलेंट नहीं आएगा, लेमिनार आएगा, आई थिंक सो। आप क्या सोचते हैं वो मुझे अभी बता दें, 2 मिनट लगा मुझे यहां पे कैलकुलेशन करनी नहीं है, जब मैंने बोला कि आपको कैलकुलेटर रखना ही नहीं है, बताओ। लेमिनार आ रहा बेटा, लेमिनार आ रहा है, लेमिनार आ रहा है, जिन लोगों ने सी दिया है व्हाई दे हैव गिवन सी आई डोंट नो, बट आप अगर यहां से देखेंगे तो वेलोसिटी की मैंने वैल्यू रखी है और डी रख दिया है, रो वी डी बाई म्यू होता है, तो सी कैसे आ रहा है। साहिल ने भी सी दिया है, आई वॉन्ट टू नो, बताएं जल्दी से, बताएं जल्दी से, बताएं, टाइम नहीं है अपने पास। यस बेटा, तो ऑप्शन मेरे ख्याल से ए होना चाहिए इसका, लेमिनार, इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, लेमिनार, समझ गए, रिप्लाई करो नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। आप चेक करो यहां से, जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वेलोसिटी निकाल ली, दैट इज क्यू बाई ए, इसको डाया ए क्या है पाई बाई 4 डी स्क्वायर, हमने यहां से बुट कर दिया वेलोसिटी की वैल्यू। आप लोग मुझे रिप्लाई करिए जल्दी से, रिप्लाई करिए मुझे यहां से जल्दी से, सो दैट मैं आगे बढ़ सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा है, ए आ रहा है, गुड, चलो, सो द ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, 49 का बेटा आपका ए जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। देख के बता दूंगा, इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50, प्रांटल मिक्सिंग लेंथ, क्वेश्चन नंबर 50 यहां से बता दीजिए, प्रांटल मिक्सिंग लेंथ मैक्सिमम एट द पाइप वॉल, जीरो एट द पाइप वॉल, इंडिपेंडेंट ऑफ द शियर स्ट्रेस, नन ऑफ द अबव।
none of the above. फ्रंटल मिक्सिंग लेंथ की बेटा बात कर रहा है, ए यस, हमेशा पाइप वॉल पे फ्रंटल मिक्सिंग लेंथ हमेशा कितनी आती है, जीरो आती है. फ्रंटल मिक्सिंग लेंथ आपकी पाइप वॉल पे कितनी आती है बेटा, जीरो आती है. एल इज इक्वल टू 0.4y, तो आप यहां से लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलो. सो ये तो थे 50 क्वेश्चन, जस्ट मैंने ऐसे उठा लिए थे रैंडमली, है ना, और जस्ट मैंने लिया था. आप लोग मुझे बता देना कि अगर आपको मतलब पब्लिक सेक्टर के लिए कुछ सीरीज वगैरह चाहिए, अगर HPCL के लिए प्रैक्टिस करवानी है तो मैं फिर थोड़ी मेहनत करता हूँ आपके लिए, और इन केस अगर आपको लग रहा है कि हो जाएगा काम तो फिर आप अपना कर लीजिए. ठीक है, तो मैं जस्ट प्रैक्टिस कराऊंगा. मैं आज टाइमर नहीं लगा पाया, नहीं तो मैं टाइमर के साथ करवाता, है ना, कि एक मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन में लगाना नहीं, और मेरे ख्याल से आपने किसी में लगाया भी नहीं, है ना. सो जस्ट मुझे बता देना, फिर मैं उसी हिसाब से क्वेश्चन जस्ट आगे बात करूंगा. चलो ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल. सब लोग एंजॉय करिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, और हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट. ठीक है, विशाल शर्मा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिस इज माई कोड. नहीं दिख रहा है, चलो फिर हम लोग यहां से जस्ट मिलते हैं. कुछ भी अगर आपको अनलॉक करना हो, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, और फिर मिलते हैं फिर कभी कुछ और लेके. शाम को FM की क्लास है, उसमें मिलते हैं. ओके, थैंक यू.